Nyamu tu lo. Apa nyamu tu lo? अबो नेम तो लो अबे नेम तो लो अबे क्या हो गया सुबह सुबह उठा दिया कौन सी कयामत आ गई अबे आवाजें नहीं सुन लिया फिर पूछ लिया क्या हो गया अबे कौन सी नई बात हो गई रोज का ये फिर भी बता दो क्या हुआ अबे होना क्या था वो तेरी ताई अम्मा ने बार्डर क्रॉस करने की कोशिश की तेरी माँ की नजर पड़ गई बस फिर क्या था उसने वही से बेड़े बेड़े जो कचरा खींच के खींच रहा उसके घुटने पे तेरी ताई जा गई वहां भी गिरी क्या बोल रहे अब्बा कहीं सर्वर तो नहीं खोल दे ताई का अबे नहीं हेलमेट पहन के आई थी मोटरसाइकिल वाला बच गई अच्छा वो तेरी अम्मा ने पुराने जूते संभाल के रखे थे वो कहां सारे वो तो कोने में रखे वाले तुम क्यों अबे वही तो हथियार है जो खींच खींच के मारेंगे रोशन आरा को आ जाओ अरे मुंह क्या छुपा रही है इधर आ मेरे मुंह पे आके बात कर ये ले आ गई हैं अभी आओ ठहर जा आने दे फेमिना के बाप को और मैं बताऊंगी कि तेरा भाई जो है ना वो बीवी को जूते सप्लाई कर रहा था मेरे को मारने के लिए ठहर जा रुक जा और चची ये स्टील का कटोरा मैं बता रही हूँ बहुत महंगा पड़ेगा अबे तूने अम्मा से पंगा लेके अच्छा नहीं किया मेरी ऐसी कैसी अंदर जा मैंने बोले बना के रखे कपड़े क्यों लेकर आओ अबे बस मुझे छोड़ दे यार मुझे लेटरिन भी जाना है अभी फेमिना जा अपने दादा की पिस्तौल लेके आज नहीं छोड़ूंगी किसी को गोलियां मार दूंगी गोलियां अब बेवान की बात कितने भाभी पिस्तौल की बात किसी ने की भी अरे लाने दो पिस्तौल ले आ पिस्तौल मैं तुझ पे तोप चलाऊंगी तू देखती रह जाओ तोते वाली बंदूक चलाएगी अबे ओ चचा मैं बता रही हूँ कि आज तूने दुश्मनी को भड़ान दे दिए देखे हो आज अब्बा आ जाए कैसे दो दो हाथ करती हूँ छोड़ूंगी नहीं किसी को मेरी अम्मा को हाथ लगाया ना अबे अब्बा का नाम मत लियो मैं फसाद की सबसे बड़ी जड़ है अब्बा के मकान पे कब्जा किया हुआ इसने अबे टू टाइम जोड़ो क्या पता चल एक मिनट रुक जाओ ए तू चुप कर जा सपोलिए तू बीच में ना आ तुझे भी नहीं छोड़ने की मैं कत्ल कर दूंगी मार दूंगी तेरी ऐसी की तैसी मेरे बच्चे को सपोलिए बोल अम्मा रहने दो हड्डी तोड़ दी आपके जान लोगी उनकी आदत चलो चलो अरे तू हट जा बीच से मैं कह रही हूँ तुझे अम्मा रहने दो अरे चाची किस्सा खत्म कर दो तुम लोगों को चल चल तू मैं बात सुन इसको लेके जा अंदर सब चले गए मुझे लेके ही जाए मुझे छोड़ दे खर तेरी हंसी की तैसी अरे अम्मा क्या जरूरत थी लड़ाई करने की इतना ही शौक था ना तो हेलमेट तो था ही क्रिकेट की पेड़ भी पहन लेती ना अरे कम से कम घुटना तो नहीं सोचता अरे बकवास ना नहीं बस बहुत हो गया अम्मा आज फैसला हो के ही रहेगा आने दो आज अब्बा को देखियो आज अब्बा से कह के रहूंगी या तो चची रहेंगे इस घर में या तो हम लोग रहेंगे मार के घुटना से तू मेरे कान का पर्दा फाड़ दे तो अब्बा को टेलीफोन कर देर सौदा लेने गए थे कहीं नाले वाले अब्बा क्या हो गया क्या शोर मचा रखा क्या हो गया मेरी आरा को ये देख लो तुम्हारे भाई भाभी ने इतना बड़ा स्टील का गिलास ताम चीनी का खींच के मारा मेरा घुटना सुझा दिया अब्बा मुमताज की ये जरूरत अब्बा बहुत हो गया हाँ तुम लोग चच्ची को समझा दो अपनी जुबान में अब अम्मा को मारेंगे ना तो हम भी पलट के मारेंगे उन्हें आज तुम फैसला करवा के रहोगे फैसले तो होते रहेंगे जो काम हम सारी जिंदगी नहीं कर सके वो मुमताज ने कर दिया अरे तो अम्मा को क्या जरूरत थी उनकी LOC क्रॉस करने की है मक्खी मारी तुम तो कुछ हंडिया वंडिया नहीं पकाती तो खुशबू आई मुझे लगा वो पालक गोश्त से पकड़ा वहाँ चलती चली गई बस खुशबू सूंघने की देर थी के बाद धाए थे गिलास आया मेरा घुटना सूझ गया अब तेरी अम्मा की तबीयत बड़ी लालची है भाई सूंघती वहाँ चली गई क्या पका हुआ मगर एक बात है भाई हमारी आरा के घुटने को हराम के थोड़े जिसका जी आए वो उसको सुझा दे और दूसरी बात ये है कि उसे मैचिंग नहीं आती मुमताज को भाई एक घुटना सुझा दिया गिलास मार के दोनों सुझाती तो कम से कम मैचिंग तो होती मुक्का मार के नाक सुझ
जानूंगा। अब मैं कुछ नहीं जानती, जाओ जाके फैसला करके ना उन लोग से, बस बहुत हो गया तमाशा। बस फैसले हो गए, अब मैं अगर करीमुल्ला और मुमताज के घुटने ना सुझाऊं तो मेरा नाम समीउल्ला नहीं है। अब मैं भी जानूंगी साथ, मैं भी जानूंगी। कोई नहीं जा रहा, कोई नहीं जा रहा, मैं बता दे रही हूँ तुम्हारी भाई भावज रहेंगे यहाँ पे, या मैं रहूंगी, जान दे दूंगी या जान ले लूंगी। आहिस्ता बोल, तेरे घुटने में पहले तकलीफ हो रही है। मैं जाऊंगी साथ। बात चुप कर जा, मैं जाऊंगी मैं जाऊंगी। तो पिछली बार भी इसी तरह यूं यूं करके मुझे कह रही थी, अब्बा मैं तेरे साथ लड़ने जाऊंगी। वहाँ जब लड़ाई शुरू हुई मैंने पीछे मुड़के देखा तो पीछे से गायब थी तू। तो अब मैं क्या करती, चच्ची ने पत्थर मारने शुरू कर दिए थे। तो मैं क्या लोहे का बना हुआ हूँ, मुझे पत्थर नहीं लगते। बैठ तू यही, मैं जा रहा हूँ लड़ने। अब नहीं, मैं भी आऊंगी साथ। जा लेके जा अपने बाबा को सर फटवा के आ जा, जा। ए सही तरह टांग भाई हो। हाँ हाँ सही दबा रही हूँ। अरे अम्मा तुम तो हाथ डालो ना अपना, मेरे को दबाने दो। अबे दानिश, तूने मिर्जा साहब के घर से पैसे लिए इस महीने के? अबे यार उस्ताद भूल गया। अच्छा तू भूलता जा, और मैं महीने के आखिर में तेरे बाप को अपनी जेब से पैसे भरूंगा क्या? उस्ताद सच कहूँ तो दिल ही नहीं चाहता मिर्जा साहब के घर जाने को। क्यों बे? अबे बहुत ही खुश फैमिली है ईमान से, एक मिर्जा साहब है, एक उनकी बीवी और दो बेटे बस। अबे तू कहना क्या चाह रही है? उस्ताद मीठे में तो कुछ है नहीं उनके घर में, फायदा क्या वहाँ जाने का। अबे तेरी तो मैं रुक बे, मैं आ रही हूँ, एक मिनट रुक। अबे ओ बे चिंगारी, अबे दो दिनों के चैनल नहीं आ रहे, कैसी नहीं है? चैनल नहीं आ रहे क्यों बे? अब मुझे क्या पता, इस दानिश से भी कहा था मैंने, इसने भी कुछ नहीं किया। ये क्या सीन है बे? वो उस्ताद मैं बताना भूल गया, इनका तार काट के मैंने व्हाट्सएप के कनेक्शन लगा दिया। क्या बकवास कर रहा है बे, व्हाट्सएप के घर क्यों बे? वो उस्ताद व्हाट्सएप के पांच पांच मीठे की डिशे इसलिए। अबे अबे ओ इलेक्ट्रॉनिक बंदर, तू मेरा कनेक्शन बंद करवाएगा क्या? मोइन साहब तुम चलो, मैं आकर चेक कर रही हूँ, तुम जाओ। अबे ये क्या कह रही था, क्या पांच पांच मीठे की डिशे? अरे तुम नहीं समझोगे मोइन साहब, हमारी कारोबारी जबान है, तुम चलो ना, मैं आ रही हूँ, तुम जाओ ना। आ जाइयो, मैं आ जाऊंगा, बस तुम घर पे मत रहियो। तू क्यों मेरा कारोबार बंद कराने के चक्कर में पड़ा हुआ है? अगर तेरे बाप का पैसा नहीं लगा होता ना, खुदा की कसम सही बता रही हूँ, तुझे मोइन भाई के घर फेंक देता मैं। चल अब सीढ़ी उठा, चल ले हम उस्ताद भाई का काय को दे रहा। अरे तेरा सत्यानाश, चेक क्यों आया बीच में, मैं इसका सर खोल के रख देती। अम्मा ऐसी चीजें खोलने का क्या फायदा जो खाली हो। वाह वाह, डंडे की बात में दम है मान से, तेरा मेरा फड्डा नहीं हुआ था आखिरी बार, मुझे भी यही कह गया था। क्या? नहीं मैं तो ऐसे ही कर। अम्मा अब्बा देखो, अब इस किस्से को ना खत्म होना चाहिए। हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ, इस किस्से को तमाम होना चाहिए। लाती हूँ मैं उड़ने वाले बाबा से तावीज। अरे अम्मा मैं इस तरह किस्से को खत्म करने की बात नहीं कर रहा। देखो मेरे मुस्तकबिल के बारे में भी कुछ सोच लो ना, शादी वादी करा लो मेरी, मतलब मेरे सारे दोस्तों की शादी हो गई, मैं अकेला कुंवारा शर्मिंदा घूमता हूँ उनमें। अबे ओ निकाती बात सुन, ये तेरी शादी से समीला के झगड़े का क्या ताल्लुक? वास्ता है ना, अब ये देखो कि उनके घर में दो जवान लड़कियां हैं और तुम्हारे घर में एक खूबसूरत लड़का है, इसलिए। अबे तुम्हें इस खूबसूरत लड़की की शादी होगी ना इससे फिर? अब तुमसे तो ना बात ही करना फजूल है, खूबसूरती तो चेक करो, ऐसा लग रहा है एटीपी दवा का यहीं पे हुआ था। बकवास कर गया ये, मैं खूबसूरत नहीं हूँ ना मैं? अरे जहन्नम में गई तुम्हारी खूबसूरती। अरे मुझे लम्डे के लक्षण ठीक नहीं लग रहे। हाँ ठीक कह रही है, जलता मेरे हुस्न से। अरे तुम्हारे हुस्न पे मैं डालू तेजाब? मैं कह क्या रही हूँ, तुम सुन क्या रहे हो? मैं कह रही हूँ लड़का ठीक रास्ते पे नहीं जा रहा, नजर में रखो। देख अब मैं क्या करता हूँ, तेरे सामने आएगा अपने मुंह से मेरे हुस्न की तारीफ करेगा। अब जाना, जा अंदर जा। तो कैसे जाऊं यार, ताला तो खोल, दरवाजे के नीचे से जाऊंगा। अबे ताला तो अभी किसी के लिए भी नहीं खुलेगा, और ये है मेरा अंधा इंतकाम। अबे देख भाई बात सुन ले, ईमान से बहुत नोक पे आया हुआ, बहुत दर्द हो रही है, ईमान से बता रहा हूँ, जल्दी खोल दे। पेट में बहुत दर्द हो रहा और नोक पे हो रहा, मैं तुझे कहता हूँ कि हलीम के प्याले भर भर के खा, पहले कलेजी खाता है फिर हलीम खाता है। और जब तुम लोगों ने मेरी रोशन आरा के घुटने पर ये पीतल का बड़ा गिलास मारा था, तब दर्द नोक पे नहीं आया था? अबे मैंने थोड़ी मारा था यार गिलास, मुमताज ने मारा था वो तू। अबे वासन में ये मुमताज क्या पड़ोस में रहती है? अबे है तो तेरी लुगाई, और तू उसको जूते भी सप्लाई कर रहा था थैले में से निकाल निकाल के। अबे यार तू भाई है या कसाई है, पर पता नहीं कितनी नाजुक सूरत से लगती है भाई, दरवाजा खोल दे तेरी मेहरबानी। नहीं भाई अब ये ताला नहीं खुलने का,
मुझे लगता है आज तुम सब लोग बाहर ही जाओगे, तब तक जब तक तुम सब हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर मेरी रोशनदाना से माफी नहीं मांगते। क्यों बे, मंजूर है? अबे हाँ मंजूर है, मंजूर है भाई। अबे पहले माफी तो मांग ले कलीमुल्ला, दरवाजा भी खुल जाएगा। रोशनदाना, रोशनदाना आओ भाई, कलीमुल्ला तुमसे गिड़गिड़ा के माफी मांगने के लिए बेचैन है। गिड़गिड़ा के माफी ऐसे मांगते हैं कि गिड़गिड़ा रहा है या हिनहिना रहा है? चल बे शुरू हो। अब माफी मांगो कद्दू में। अबे मैं कह रहा हूँ घुटने में गिलास मारा था ना, इसके सर पे मारना चाहिए था। अबे क्या बकवास कर रहा, लगता तेरा बाथरूम जाने का मूड नहीं है। फायदा नहीं बाथरूम जाने का, मेरा काम तो हो गया है। अब क्या होगा, कपड़े बदलूंगा ना बस, और क्या। अब दर्द तेरे की मैं भी कहूँ, ये महकी फिजाएं गाती हवाएं, इससे तो अच्छा खाना ही सुन लेते वो। सुनो रोशनदाना, अबे यार ये खूबसूरती भी क्या चीज है। हाँ उस्ताद, यकीन से आ जाता है खुद को देखकर। हाँ। और सुन, तू चाहता है कि तेरे घर में रहमत आए, फरिश्ते आए? हाँ उस्ताद चाहता हूँ। तो तू फटाफट घर से बाहर निकल जा। अरे उस्ताद ये क्या कह रहे हो? अरे बात सुन, मैं तेरी भाभी के पास डेट पे जा रही हूँ, तू यहाँ खड़े होकर चौकीदारी करता रही, और अगर कुछ गड़बड़ की ना बेटा तो यहीं पकड़ के मारूंगा, बल्ले तेरा बाप मुझसे पैसे वापस ले ले। अरे उस्ताद फिकर ही नहीं करो, मैं चारों तरफ नजर रखूंगा। वेरी गुड उस्ताद, ये क्या था? अभी सिग्नल था, इस आवाज पे तेरी भाभी गेट के पास आएगी और कुंडी खोल के वापस अंदर चली जाएगी। अरे वाह उस्ताद, ये आवाज तुमने निकाली थी? हाँ। मैं समझा खौफ से निकली है। बेटा अगर तेरा अब्बू के एहसानात नहीं होता ना, यही मारता मैं तेरे को, यही चुपचाप खड़े रहे। क्या यार उस्ताद ने जिंदगी बर्बाद कर दी मेरी। क्या बात है, आजकल तो तुम बड़ी पोपट चल रही हो। और तू भी मेरा आज शाहरुख लग रहा है। वैसे एक शेर आ रहा है तुम पे, कर दूं? कर दे। अगर तुम मुझसे रूठोगी तो बताओ कैसे मनाऊंगा? कैसे? आकर तेरे पास एक कॉर्न के नीचे लगाऊंगा। ये क्या बात हुई? ये सब छोड़िए, बता आजकल बड़े फड्डों की आवाजें आ रही हैं तेरे घर से। वही ना, चच्ची ने जिंदगी हराम की हुई है, देखो तो सही, रोजाना किसी न किसी बात पे लड़ती रहती है, फड्डा करती है। वैसे एक बात पूछूं क्या? हाँ पूछो। ये तेरे अब्बा जो है ये असली है क्या? क्या? अरे अभी ये दो दिन पहले तेरे अब्बा ने मेरे साथ बहुत बड़ा छिजोरापन किया। क्यों, क्या हुआ? वो दो दिन पहले लाइट चली गई थी ना, तेरे अब्बा मेरे पास है, कहना कि बेटा 50 का खुला है, मैंने दे दिया। जब लाइट आई मैंने देखा तो एक तरफ 50 का नोट और दूसरी तरफ 100 का नोट था। अबे ये तो तेरा ही फायदा हो गया ना, 50 का खुला मांगा और 150 रुपए मिल गए। वैसे तेरी कमाल बात पता है क्या है, तू फजूल बात भी बड़ी तसल्ली से करती है। क्या? वैसे एक और बात बोलूं, जितना तेरे पास टोटल दिमाग है ना, उतना तो मेरा अक्सर खराब रहता है। अबे चुप ना, इतनी मुश्किल बातें मत क्या कर मेरे साथ, मुझे समझ नहीं आती है। हाँ वैसे एक बात कहूँ? बोल मेरी रानी। I love you too. वैसे अपने अब्बा से 50 का नोट तो दिलवा दे। देख मोहब्बत अपनी जगह, पैसे अपनी जगह, पैसों का मजाक नहीं होना चाहिए, बता रही हूँ। अच्छा हाँ। ला रही हूँ। हाँ जल्दी जा। लड़क धड़क के दिल। अबे वो आटाने के दो, इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहा है? अब वो केबल के पैसे लेने आया था। रात के 1 बजे केबल के पैसे लेने आया था, क्या लेने आया था? आराम से बोले, रात को 1 बजे तो केबल नहीं देखता कि पैसे देने में क्या मौत आ रही है तुझे, और तू यहाँ क्या कर रही है? मेरा घर है, मैं कुछ भी करूँ, पानी पीने निकला था क्या? पैसे ला केबल के, दे दे पैसे, हो गई दे। चलो चलो अपने केबल के पैसे लो और जाओ। ला 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 ला। वाह भाई वाह, हमसे 400 रुपए ले रहा है, उससे 350 रुपए कहा गए, 50 ले लिए बस। अबे बावले आराम से बोल, 350 रुपए ये पहले दे चुकी थी, 50 रुपए का बैलेंस था वो लिए हैं बावले। सब समझ रहा हूँ मैं, सब समझ रहा हूँ, लेन देन हो रही है ना यहाँ पे। ये कल मुई तूने मेरे हिस्से में कचरा क्यों फेंका बता? चुप कर, जबान का लगाम दे अपनी, कचरा यहाँ फेंकती, मुझे कचरा फेंकना होता तेरे मुँह पे फेंकती। देख
देख रहे हो, ये आंखें खोल के देखो, झाड़ू समेत हमारे कने क्यों कचरा फेंक दिया सारा हमारे रिश्ते में इसने। हालांकि हमारे घर में इससे ज्यादा कचरा पड़ा हुआ, मगर मेरी हिम्मत ही नहीं होती उसे फेंकने की। छोड़े माता को, जरा बुलाइए तो इनको। अभी बुलाती हूँ। ए मनोज, मुमताज, मुमताज इधर आ जरा, बता मुझे आके ये कचरा यहाँ क्यों फेंका तूने? अबे ओ कलीम अल्लाह, अबे ये क्या बेगैरती कर दी तूने? अरे क्या हो गया, क्या हो गया रोशन आरा, कौन मर गया तुम्हारा जो इतना रोला डाल रही हो? चुप कर, खुदा ना खास्ता मेरे क्यों मरे, तुम्हारे होते तो थे मरे। हाँ हाँ, इनके वाले तो अबे आयात पी के आते ना। अबे अब कलीमुल्ला, खबरदार जो औरतों के मामले में बोला, फिर मैं बोला तो तू भागता हुआ नजर आएगा। अब रहने दे, आराम से रह, देख लिया बेगम के सामने गिदर गिदर दू मिला रहा होता है। कैसे जाहिर इंसान है ये, कैसे जाहिर? अबे वो दू मिलाने वाला गिदड़ नहीं होता, अब वो तो कुत्ता होता। हाँ तो मैं बड़ा भाई समझ के तुझे गिदड़ बोल रहे हो, इज्जत दे रहे। बकवास बंद करो तुम दोनों, समझ आई? बात सुन, कल मुई तूने मेरे हिस्से में कचरा क्यों फेंका बता? चुप कर, जबान का लगाम दे अपनी। कचरा यहाँ फेंकती? मुझे कचरा फेंकना होता तेरे मुंह पे फेंकती। अरे ओ मुमताज, खबरदार जो मेरी बीवी के मुंह को तुमने कचरा कुंडी कहा तो। बात सुना, ओ, ओ, सभी अल्लाह अपनी लुवाई को संभाल ले, वरना वो अशर करूंगी कि आईने में देख के अपने आप को पहचान नहीं पाएगी। अबे ये कचरा कुंडी और वो कचरा घर। मार क्या, मार क्या? हर मुश्किल काम मुझे ही बताना, कसम है तुझे रोशन आ रहा, जो तूने मुझे छोड़ा तो अब मेरा मतलब है मुझे छोड़ दो। अब आज तो खून की नदियां बह जाएंगी। बस सुन, बस छोड़ दे मुझे, तू भी आज मैं इसको छोड़ूंगा, लेकिन खुदा पाक की कसम, अय अल्लाह, अय अल्लाह, तुम्हें मेरी कसम छोड़ दो। अबे शुक्र अदा कर ले, मेरी बीवी ने अपनी कसम दे दी, वरना तेरा कत्ल हो गया होता आज यहाँ पे। अल्लाह का शुक्र अदा कर बे, वो तो तेरी भावज ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मैंने इसकी शक्ल देख के तुझे छोड़ दिया, वरना तू आज मेरे हाथों जाया हो रहा था। अबे जा अपने काम कर, चल चल। अबे चल निकल यहाँ से, बड़ा आया लड़ने वाला। तुम मेरे हाथ तोड़ के रख गया, चल। अरे मेरा लड़ने का दिल नहीं चाह रहा, सारा कचरा फेंक के चली गई यहाँ पे, तेरी लड़ने को दिल नहीं चाह रहा। अरे यार ये दानिश किधर गायब हो गया, फोन भी नहीं उठा रहा। अबे उठा ले फोन। हाँ भाई, किसी की बद्दुआ क्या हाल है? क्या बकवास कर दिया बे तू? अबे देख तू, किसी की दुआ तो हो नहीं सकता, तो बद्दुआ ही हुआ ना। अच्छा, नाम तो तेरा भी नियमत है, लेकिन तेरे अब्बा को देखकर ऐसा लगता है तू उसके लिए नियमत नहीं जेमत है। अरे बा बता, लड़की रहे, अब तुम रिश्तेदार होने वाले हैं ना। किस बात का रिश्तेदार भी? अबे छुपा मत, तहमीदा ने मुझे सब बता दिया है। क्या क्या बता दिया? यही कि तेरा सीन चल रही है। अबे क्या सीन चल रही है, तू क्या कह रही है तू? अरे ड्रामे मत कर, फेमिदा ने बता दिया, तुम दोनों एक दूसरे को लेक करते हो। अबे हल्के मूल फंसवाएगा तू। वैसे कब से चल रही है सीन? चल अगर तुझे फेमिदा ने सब कुछ बता ही दिया तो मैं तेरे को बता देता हूँ, ये कोई 5-6 महीने से। 4-5 महीने से चल रहा है? और कितनी डेटे में आ रही है? 8-10 जगह है। किस जगह पे? एफिल टावर पे। अबे उसी के घर पे मारूंगा बावले। हमारे घर में ये काम हो रहा है? ए लो, अबे दानिश किधर गायब हो गया था तू यार? अच्छा चल मैं आ रही हूँ। अच्छा मैं जा रही हूँ, बाद में मिलते हैं, केबल ठीक करना है। अच्छा इरफान बासु, यार वो जो 30 नंबर पे चैनल आता था ना, लगा देना, बंद हो गया है। वो 30 नंबर वाला चैनल जो है ना, वो मैंने 60 पे सेट कर दिया। अबे तभी अपा 60 पे लगे रहते। मैं क्या कर रही है, खाना बना? मैं भाई मोहल्ले वालों से लेने चली गई, इतनी तेल लगा रही है। ये लो, मरो, खाओ। क्या बात है, बड़ा अच्छा मूड है, बड़ी इज्जत दे रही है आज तो। क्या मतलब, पहले तो सर पे मारती जेंट रे, आज सामने रख दी। देखो भाई, बात सुनो कलीमुल्ला, मैं इस रोज रोज के टुंटों से बड़ी तंग आ गई। ये अपने भाई समीउल्ला और रोशन आरा को समझा लो, वरना कोई ना कोई मेरे हाथ से मारा जाएगा, मैं बता रही हूँ। दिमाग में बात आई, युक्का वाली पानी की टंकी है, उसमें जहर डाल देते, सारे पीएंगे, पैक करके मर जाएंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हम तो जिंदा रहेंगे ना। अरे वही पानी आता है हमारे यहाँ भी। इतना रिश्ता लेना पड़ेगा ना यार, कोशिश करके देख ले, शायद बच जाए तू। मैं सब समझ रही हूँ, तुम्हारी चिलाकियों को, तुम्हारे शैतानी दिमाग के चक्करों को समझ आई ना। तुम चाहते यही हो ना कि मैं मरूं और तुम दूसरी करो? अब क्या हो गया, तेरा दिमाग खराब हो गया भाई? पागल हूँ क्या मैं? मोमिन हूँ, मोमिन, और मोमिन एक सुराग से एक बार फंस जाता बस। क्या कहना चाह रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो? मैं सांप हूँ, नागन हूँ, डसती हूँ तुम्हें? हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ, तू कह रही है तो। देखो कलीमुल्ला, एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो,
तुम्हारे भाई और भाभी को तो मैं संभाल लूंगी, लेकिन अगर तुमने इतनी सी भी चूचरा करने की कोशिश की ना तो ऐसी जगह ले जाके मारूंगी जब पानी नसीब नहीं होगा। याद रख लेना, नाम मुमताज है मेरा। सीरियस हो यार, मजाक भी नहीं कर सकते यार। मजाक मजाक तो मेरे साथ हुआ जब तुम जैसे डरपोक बुजदिल आदमी से मेरी शादी हो गई। भला बताओ, मेरा ही बाजू पकड़ के मुझे कह रहे छोड़ो ना मुझे, छोड़ो ना मुझे। समीला को दिखाने के लिए कर रहा था मैं कि मेरी मुमताज इतनी प्यार करती, इतनी मोहब्बत करती है, छोड़ जाएगी मुझे। अरे मेरा बस चले तो तुम्हें आज ही छोड़ दूं, मगर क्या करूं, रहम आ जाता है तुम्हारी मनहूस शक्ल पर। तुम्हारी ऐसी कहां किस्मत तुम भी छोड़ जाए। और भाई केबल वाली, अब तो इस घर में केबल फ्री आएगी ना। क्या तेरे को है, क्या बक रहा है तू? ए, तेरे टिशन है ऐसे नन्नी बन रही, समझ नहीं आई। ए देख ले, बहुत हो गया हाँ, अगर ज्यादा बकवास की ना तो इतने जूते मारूंगी, इतने जूते मारूंगी, तेरा दिमाग सही कर दूंगी। बस कर दे बस, सब पता है मुझे, छुपाने का कोई फायदा नहीं है। इरफान मुझसे कुछ नहीं छुपाता, उसे सब बता दिया मेरे को। क्या क्या बता दिया उसने तेरे को? सब बता दिया है। यही कह, तू उसे पसंद करती है, वो तुझे पसंद करता है, तुम लोग शादी करना चाहते हो। मैंने कह दिया मैं करवा दूंगा शादी तुम लोगों की। हैं? तूने तूने ऐसा कहा उसको? हाँ, अगर उसकी शक्ल छुपा दो ना, लड़का अच्छा है वो। वैसे एक बात बता, तू उसे पसंद करती है, वो तुझे पसंद करता है, तो मसला क्या है? अबे मसला है ना, मेरे अम्मा अब्बा कभी नहीं मानेंगे। अबे तो एक काम करते ना, ये मसला भी खत्म कर देते। बोल रहे हैं उनको मारने की बात थोड़ी कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बैठ के टेबल पे ना मामला बातों से हल कर लेते हैं। हाँ अभी नहीं, नहीं 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 ये नहीं मैं कर सकती, तू नहीं जानता मेरी अम्मा को मेरी चुटिया पकड़ के ऐसे मसल देगी, मैं ये नहीं कर सकती। अभी तू टेंशन मत ले, कुछ सोचता हूँ मैं भी, कुछ सिस्टम निकालता हूँ मामला सेट करने के लिए। ए वैसे एक बात तो बता, ए सारी जिंदगी मैं तेरे को गलत समझती रही, पर तू तो बहुत अच्छा निकला रे, मेरा अच्छा वाला भाई है, मुझे माफ कर दे। चल ठीक है जा, माफ किया, लेकिन बात सुन, आइंदा मेरी अम्मा से मत लड़ियो, वरना ताया ताई को सब बता दूंगा। तोबा 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 तोबा, अब मैं कभी नहीं लड़ूंगी, पक्का वादा। चल ठीक है अब जा। इतना तो मेरा प्यारा वाला भाई है। चलो भाई, एक वोट तो हो गया अपने हक में। तोबा अल्लाह, तोबा भैया, कैसे दरियाए घोड़े की तरह मुंह खोल के डकारे ले रहे हो? भाई जब डकार लूंगा तो मुंह से आवाज तो निकलेगी, अब क्या सलंसर लगा लूं मुंह पे? एक से हो दोनों भाई, एक से हो बदतमीज। उस दुश्मन से मिला रहे हो मुझे? काहे का दुश्मन है? अरे उसे मारने के बजाय मेरा बाजू पकड़ के लटक गए, मुझे तो डर था कि मेरा बाजू ना तोड़ दो। एक तो तेरी खातिर में सगे भाई से लड़ लिया, ऊपर से मुझे इल्जाम दे रही हो। अरे बस कर दो बस कर दो, लड़ी ना लो तुम, बाहर जरा सा कुत्ता भी भौंकता है ना गली में तो कमरे में छुप के बैठ जाते हो तुम। ले आई ना किसी बहाने अपने महके वालों को इस किस्से में। ए बात सुन, उसने और उसकी बीवी ने मिलके मेरा घुटना सुझा के इतना बड़ा कुप्पा कर दिया, बदला लिया तूने, बदला लिया तुमने? याद है तुम्हें कैसा तड़पाया था मैंने कलीमुल्ला को? दो ही पजामे थे उसके पास। अब उसके पास एक रह गया, अब एक ही पहना करेगा वो। बात सुनो, पजामा फेंकने से ना मेरे कलेजे को ठंडक नहीं मिलने वाली, उनके घुटने सुजाने, घुटने। उनका घुटना सुजाने के लिए उनके ऊपर बस चढ़ा दो, फिर नौबत ही नहीं आएगी घुटना सुजाने की। अच्छा बस चढ़वा दूं ताकि पुलिस आए तुम मेरा नाम दो? तुम तो चाहते ही हो कि मुझसे छुटकारा मिल जाए और तुम दूसरी कर लो बदतमीज। भाई तुम सारी औरतें एक ही तरह सोचती हो, घुमा फिरा के फिर वही आ जाती हो। हम पागल हैं जो दूसरी शादी करने बैठ जाए? वो हम तो कहते हैं कि बस मिट्टी पाक हो। याद रखना समीला, याद रखना, जहाँ मर्जी चले जाओ कब्र तक पीछा नहीं छोड़ने की मैं। कब्र तक? भाई मैं तो कहता हूँ अंदर ही आ जाना, मैं थोड़ी सी जगह छोड़ दूंगा तुम्हारे लिए। हाय हाय, अल्लाह माफ करे, तुम्हारा तो बस नहीं चलता, मुझे जिंदा गड़वा दो, जिंदा गाड़ दो। अरे हमारे ऐसे नसीब कहाँ, हमारा तो वो आलम है
कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। लकड़ी तुम ही बेजत दरिया बुर्द हो जाओ, देख लूंगी तुम्हें मैं बता रही हूँ। भाई तुम दुनिया की पहली खातून होगी जो दो बच्चों के बाद अपने शोहर को देखोगी। माफ करे, पहले भी देखने को दिल नहीं चाह, मैं देखूंगी तुम्हें। हेलो हेलो, अरे फोन क्यों नहीं उठा रही थी, कब से फोन कर रही हूँ तुझे। अबे क्या करती, कपड़े धो रही थी और फिर बाद में अब्बा के कपड़े भी इस्त्री किए। क्या फायदा, तू अपने अब्बा को कुछ भी पहना दे, लगते वो मेले के मेले ही। ए ऐसा क्यों बोल रहे तू, लेकिन देख हमें कोशिश तो करनी चाहिए ना। हाँ तू कर ले। वैसे तेरे अब्बा के बारे में एक बात बोलूं, ऐसे बुजुर्गों को बच्चे स्कूल से छुट्टी लेने के लिए साल में चार दफा मारते हैं। ए तूने ये सब कुछ कहने के लिए मेरे को फोन किया है। अरे वो तो तेरी याद आ रही थी इसलिए फोन किया था मैंने। मुझे भी तेरी बहुत याद आ रही थी। वैसे एक बात है फेमिता, तू बड़ी गुन्नी हो गई, तूने नेमतुल्ला को अपने बारे में सब कुछ बता दिया। अबे चल बे चल, छूटा कहीं का, खुद सब कुछ बता के मुझे बोल रहा है। अरे नहीं, मुझे खुद नेमतुल्ला ने बताया कि तूने उसको हमारे बारे में सब कुछ बता दिया। ए उसने तो मुझसे ये कहा कि इरफान जिंगारी ने सब कुछ बता दिया, इसलिए मैंने भी बता दिया। अबे ये नेमतुल्ला क्या गेम खेल रही है, इसने मुझसे कहा तूने बताया, तुझसे कहा मैंने बताया, और हम दोनों ने इसको बताया। हाय अल्लाह, क्या कह रहे हो। अरे कसम अल्लाह पाकी, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सही बोल रही हूँ कसम से। हाँ मुझे तो लग रहा है हम दोनों से झूठ बोल के उसने हमसे अगवा लिया है। अभी ये नेमतुल्ला तो बहुत कमीना निकला, और क्या कह रही है तो तुझसे। अभी कुछ नहीं, ऐसे ही कोई गलत बात नहीं की मुझसे उसने, बल्कि वो तो तारीफ ही कर रहा था तेरी, और कह रहा था कि शादी करवाऊंगा। ये तो यही बात तो ये मुझसे भी कर गया। तो जब पता चली गया तो क्या हुआ। अच्छा सुन, मैंने तेरे लिए खुशबू का पान फेंका, छालिया का मैं उठा लिया। ए थैंक यू। अच्छा चल मैं फोन रख लिया हूँ, केबल डालने जाना है, बाद में मिलते हैं। ओके ए अपना ख्याल रखियो मेरे लिए। नीमतुल्ला ये क्या गेम खेल रही है तू। अबे कहाँ रह गई थी, कब से इंतजार कर रहा हूँ। अरे अम्मा सोई नहीं रही थी, इतनी मुश्किल से जाके अम्मा सोई है, तो मैं अब जाके यहाँ पे आई हूँ। बोल क्यों बुलाया। अबे तेरे लिए ना खुशखबरी है। हैं? खुशखबरी? कैसी खुशखबरी है। सोच अगर हम दोनों के बारे में फेमिदों को पता चल जाए तो क्या होगा। राहुल वाला कुत, अल्लाह ना करे। अरे अगर उसको पता चल गया ना तो अम्मा को बता देगी और अम्मा मेरा गला दबा देगी। और अगर मैं कहूँ कि ऐसा नहीं होगा बल्कि वो हमारी मदद करेगी तो। नेमतुल्ला नशा करके आया ना, अबे तू क्या पागल वागल हो गया है। वैब मेरी बात तो सुन ले, देख फहमीदा का चक्कर चल ले, केबल वाले का केबल वाले का बता दे। अब बोल। ए तू क्या कह रहे हैं। भाई ईमान से दोनों ने मुझे खुद बताया है। अच्छा जब भी मैं कहूँ ये बात, इतना केबल क्यों देख रही है रोज रोज, अब समझ में आया मुझे। बेटा अगर मैं अब फहमीदा को कह दूं ना कि अपने अब्बा का सर काट के लिया तो वो भी ले आएगी वो। अबे ओ क्या बकवास कर रहा तू है। मेरा मतलब था कि वो ना फुल गिर गई है, तेरे घर में हमारा एक वोट पक्का हो गया है। अबे रेन दे तू, उस वोट का ना कोई फायदा नहीं है, अपने लिए तो कुछ करती नहीं है, वो हमारे लिए खाक करेगी क्या है। अबे देख हम उसके काम आएंगे, वो हमारे काम आएगी, वो इंग्लिश में कहते हैं ना गिव एंड टेक, लो और दो, वो करेंगे हम लोग। चल बकवास ना कर, गिव एंड टेक मुझे उससे ना कोई उम्मीद नहीं। अच्छा अबे यहाँ मैं मेहनत किया जा रहा हूँ, तू मायूसी फैला रही है। अच्छा चल छोड़ ना, तू नाराज ना हो। अच्छा बात सुन। क्या है। आई लव यू। वैसे तू भी ना छिछोड़ा ही है। तुझसे कम। अरे उस्ताद भट्ट साहब की जो छोटी बेटी ना, तो मुझे हंस के देखा था। अबे तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा बे। अब उस्ताद अल्लाह ने इतना अच्छा हुक्म दिया, बच्चियां मरती तो उसमें मेरा क्या कसूर है। अच्छा हम तो सिर्फ दुनिया में केबल लगाने आए, सारी बच्चियां तो तेरे ही लिए ही हैं। अरे उस्ताद बेचारी नहीं करो, मैं तुम्हारी फाइटिंग करा दूंगा। अबे ओ बिल्ली के जेठ, तेरे जैसे लड़के होते हैं जो बीए करके ख्वाजा सरा बन जाते हैं, तो शुक्र कर केबल वाला बन गया। हाँ अबे और इरफान, अबे शुक्र है बेटा तू यही मिल गया मुझे, वरना मैं तुझे ढूंढ ढूंढ के पागल हो जाता। क्या हो गया खालू। अबे डर क्यों रहा तू, वो जो मैंने तुझसे 50 रुपए का खुल्ला लिया था ना, वो बच्चे हुआ ये कि वो 50 का नोट तेरे पास गलत आ गया, और मैं ये सोच सोच के बहुत शर्मिंदा हो रहा हूँ। उस्ताद को खतरा है, क्यों क्यों बाएं आंख पड़ के जा रही है पता नहीं क्यों। अबे तेरा ही बाल टूट के तेरी आंख में पड़ गया होगा, इसे अच्छी तरह चेक कर बे। हाँ बेटे तो मैं ये कह रहा था, किसी ने मुझे 50 का गलत नोट दे दिया, वो गलती से फिर तेरे पास आ गया। अबे घर जाके मुझे बेटा बड़ी शर्मिंदगी हुई, मैंने कहा देखो भाई चिंगारी बेटा, पता नहीं मुझे क्या समझ रहा होगा। कोई बात नहीं खालू, हो जाता है, नो प्रॉब्लम।
अब है तुझे कसम है इसकी, सच बता तूने मुझे माफ कर दिया। अब क्या बॉन्ड पेपर लिख के दे दें? अब चुप कर मैं। अरे कोई बात नहीं, खालू हो जाता है, नो प्रॉब्लम। अब मुंह से बोल, खालू मैंने तुझे माफ कर दिया। हाँ खालू मी ने तुम्हें माफ कर दिया बस। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, मेरे चिंगारी बेटे ने मुझे माफ कर दिया। अभी एक काम और कर दे अपने खालू का, एक काम और कर दे मेरे बेटे, ये ले 1000 रुपए, इसका खुला दे दे। मैंने तेरी खाला की खांसी की दवा ले दी है बेटा। अब खालू इस तरह शर्मिंदा मत करो यार। खालू मुझे लग रहा है खाला को टीबी हो गई है। अबे कौन है ये, क्या रखा हुआ तूने अपने साथ? ये लो खालू, गिन लो पूरे 1000 रुपए हैं। अबे पागल हो गया क्या, तुझसे पैसे लेते हुए मैं गिनूंगा? इतना बेमुरव्वत नहीं हूँ मैं। चल बेटा, बहुत मेहरबानी तेरी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। जी खालू। उस्ताद आग पढ़ के जा रही है पता नहीं क्यों। अरे चुप कर जा, चल जल्दी चल चल। अबे फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज। अब जोहला की कमी नहीं है हमारे यहाँ, इसे ये भी नहीं पता कि वो नोट आगे से 1000 वाला और पीछे से 100 रुपए वाला है। अब कहीं वापस ही ला जाएंगे। ए रक्षु, आज तो मैं काम कर कर के थक गई। बाजी वैसे मैं सोच रही थी इस मोहल्ले में ना कोई भी तमीज का और समझदार इंसान नहीं है सिवाय ना एक के। एक तो अब्बा की बात कर रही है ना? हाँ वो तो है ही, लेकिन एक आदमी ना और भी है। अच्छा एक कौन? इरफान चिंगारी। वो अपना केबल वाला ना। इरफान वो क्या अच्छा नहीं है इरफान? अच्छा है। मैंने कब कहा कि वो बुरा है? हा? क्या हो गया बाजी, इतना क्यों परेशान हो गई है? मैं तो परेशान नहीं हो रही, मैं क्यों होगी परेशान भला? हाँ हाँ मुझे सब मालूम है। क्या क्या पता है तुझे? यही कि तुम और इरफान ना एक दूसरे को पसंद करते हो। अबे क्या कह रही है तू? ए नेमतुल्ला ने मुझे सब कुछ बता दिया। अच्छा नेमतुल्ला ने? हाँ मेरा और नेमतुल्ला का वही रिश्ता है जो तेरा और इरफान का है। क्या सबको पता चल रही है? अबे अगर लेटरिन जाए तो होके आ जा, तो हम तेरा मुंह देखने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। क्या भैया मुझे तो खोल उठ रहे हैं, क्यों बुलाया है तूने हम दोनों को बात करने के लिए? अरे खामोश तो हो जाओ, मूड तो बनाना तो बताता हूँ ना। अबे तो पहले मूड बनाता फिर बुलाता ना भाई। देखो अब्बा अम्मा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरी शादी कर दो। क्या? अरे क्या बावला हो गया है? शादी वो भी तेरी? तो क्या हुआ, क्या शादी सिर्फ बावलों की होती है? ओए 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 मेरा पता मत करियो, बता रहा हूँ मैं। चुप कर भाई। हाँ भाई बता किससे करना तेरी शादी? वो एक लड़की से। अब बताओ लड़की से ही शादी होगी? कब लड़के से शादी कराएगी तेरी? कैसी बात करो, लड़के से शादी कैसे हो सकती है? कैसी जाहिल वाली बातें कर रहा है? अबे इनकी बहन की बेटी की शादी हुई लड़के से? अरे चुप कर जा, बड़ी लल्लो चलती है तुम्हारी, बात करने दो मुझे। अबे चल बता लड़की का नाम एड्रेस पता सब कुछ बता मुझे, कौन लड़की है, किससे शादी करना चाह रहा तू? वो है ना वो उनकी बेटी। अबे वो कौन? वो ना उनकी बेटी, तायाबू की बेटी रशन्ना। रशन्ना रक्षंदा सब लोग कहाँ हो? आए हाय अब्बा क्या हो गया, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? गजब हो गया, साउथ अफ्रीका से खत आ गया। हाय अब्बा नहीं करो, कितने पैसे मांगे उन लोग ने? भत्ते का खत थोड़ी आया है, ये बता तेरी अम्मा कहाँ है? अब्बा अम्मा जरा रक्षंदा को लेके, वो अपनी जयपुर वाली खाला नहीं है उनके यहाँ गई है। उसने भी आज ही जाना था, अब क्या करूँ? अब्बा किसका खत है, क्यों आ गया तुम्हारे पास? अब्बा तुम तो अफ्रीकी लगते भी नहीं हो। तो क्या पागल हो गई? क्या साउथ अफ्रीका से उन्हीं को खत आते हैं जिनकी शक्लें अफ्रीकियों जैसी होती हैं? हाँ यही तो पूछ रही हूँ कि तुम्हें किसने खत लिख दिया वहाँ से? वो मेरी बिलकिस है ना, अब मेरी फूफो की बेटी बिलकिस है ना, वो आ रही पाकिस्तान। ले अब्बा तो इस बात पे इतना परेशान होने की क्या जरूरत थी? हाँ हाँ क्योंकि वो हमारे ही यहाँ रुकेगी। अभी क्या कह रहे हो अब्बा, यहाँ कैसे रुक सकती है? हैं यहाँ कैसे रुक सकती है, कमाल कर रही है तुम। दरअसल बात पता क्या है, ये जो बिलकिस है ये यहाँ अपने बच्चों की शादी करने आ रही, और मेरे दिमाग में प्लानिंग चल रही, प्लानिंग
मगर इस प्लानिंग का बेड़ा गर्क करेगा ये कलीमुल्ला का बच्चा। अबे ये क्या बात हो गई अब्बा, इस बात से चच्चा का क्या वास्ता? वास्ता है उससे डायरेक्ट वास्ता है। अच्छा बात क्या है, मैं चाहता हूँ कि तेरी शादी बिल्कुल इसके लौंडे से हो जाए, मगर ये कलीमुल्ला सब कुछ होने नहीं देगा, इसलिए मैं कहता हूँ उसके आने से पहले पहले इन लोगों से सुलह कर ले। क्या मेरी शादी? नहीं नहीं अब्बा, मैं नहीं करूंगी किसी अफ्रीकी से शादी। अगर बाफी हो गई तो बिल्किस का लौंडा अफ्रीकी थोड़ा है, उसका तो बाप भी पाकिस्तानी था। कुछ भी हो अब्बा, मैंने नहीं करनी वहाँ शादी। अब तेरा तो बाप भी करेगा वहाँ शादी। हाँ तो ठीक है अब्बा, तुम कर लो ना शादी, मैं नहीं करूँगी वहाँ शादी। अब बहुत पैसे वाले लोग हैं, बिल्किस की सोने की कान है। अगर उसकी सोने की नाक भी होगी ना तब भी नहीं करूँगी उससे। मैं तुझे देखूंगा तो कैसे नहीं करती, जाहिल ना हो तो शादी नहीं करूँगी, शादी नहीं करूँगी। अब्बा अम्मा मैं तुझे बता रही हूँ कमारी मर जाऊंगी, पर उस सोने की नाक वाले आदमी से शादी नहीं करूंगी। हाँ हाय मेरा इरफान चंगारी क्या होगा। अम्मा बिल्किस आ रही साउथ अफ्रीका से। बिल्किस? अबे वो बड़ी पप्पो की बेटी बिल्किस। अबे क्या चार छह बिल्किस हैं हमारे खानदान में? बता उसके आने से मेरा क्या फायदा है, चक्कर तो तुम्हारा था उसके साथ। अबे जो भी बात करनी जल्दी कर यार, मेरा टाइम नहीं जाना है मुझे। अबे सबर से खड़ा होकर बात सुन बे मेरी, तो मेरी मर्जी से यहाँ आया, नीचे से टांगे काट दूंगा तेरी मैं। देख रही तू घर बुला के चली कर रहा है मुझे, चल निकल यहाँ से। अरे सुन तो लो, क्या तुम दोनों एक दूसरे को कलीमुल्ला सबीउल्ला की तरह पासेस दिए चले जा रहे हो? हम दोनों खिलाड़ी क्या मुंह देखने के लिए आए? अरे भाई कलीमुल्ला सुन तो लो, बड़ा भाई क्या कह रहे हैं। लो बड़ा भाई। बड़ा भाई तो सब कहा था बड़ा भाई, जब घर की हुदूद अलग अलग कर रही थी तुम। अब आप बात सुन रहे कलीमुल्ला, बिल्किस आ रही साउथ अफ्रीका से। बिल्किस? अबे वो बड़ी पप्पो की बेटी बिल्किस। अबे क्या चार छह बिल्किस हैं हमारे खानदान में? बता उसके आने से मेरा क्या फायदा है, चक्कर तो तुम्हारा था उसके साथ। क्या चक्कर है? बावला हो गया तू, चक्कर नहीं था वो इल्जाम था मुझ पे। अरे बात सुनो, हमें किस लिए बुलाया वो बताओ, तुम्हारा इश्क किससे चल रहा था किससे नहीं चल रहा था, हमें इससे कोई सरोकार नहीं। अबे मैं ये कह रहा था कि वो इसी घर में रहेगी, वो अपनी लौंडी और लौंडे की शादी करने पाकिस्तान आ रही। नहीं कोई नहीं आ रही, और यहाँ कोई भी नहीं रहने का, मैं बता दे रही हूँ, मैं बता दे रही हूँ, जान से मार दूंगी उसे भी तुम्हें भी। बाकी तुम्हारा उससे चक्कर था? अब तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, मैं क्या बोल रहा हूँ तू वहीं पे अटकी हुई है। अबे भाई ये सब कहानी के अंदर फायदा क्या है मेरा? अबे बात सुन रहे, अपनी बिल्किस जो है वो करोड़पति है, करोड़पति, और अगर उसकी बेटी से तेरे बेटे की शादी हो जाए या फिर उसके बेटे से मेरी बेटी की शादी हो जाए तो इसमें करोड़ों रुपए का फायदा होगा। हाँ ये तो ऐसे सोचने वाली बात है। बात सुनो घर वाला भी आ रहा है उसका क्या? अबे नहीं यार उसका शौहर नहीं आ रहा, उसका शौहर तो 5 साल पहले फौत हो गया, बेचारी बेवा है। बेवा इसमें हंसने वाली कौन सी बात है, बेवा भी है, पक्का काम करके आ रही है, यहाँ नहीं रहने दूंगी मैं, बता रही हूँ तुम्हारी जान ले लूंगी उसकी। अबे चुपकी हो जा, मैं बच्चों के मुस्तकबिल का सोच रहा हूँ और तू है क्या वही की वही रुकी हुई दिमाग खराब कर रही मेरा। पहले आपस में इस्तेफाक तो कर लो। क्या कर लो? इस्तेफाक? अभी चुप चुप करो भाई, तुम हमसे क्या चाहते हो? भाई मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि बिल्किस के आने से पहले हम आपस में सुलह सफाई कर लें ताकि उस पर एक खुशगवार असर पड़े। बात सुनो, ये मेरे से ज्यादा खूबसूरत है वो। हाँ वो तुझसे ज्यादा खूबसूरत है, चुपके से यहाँ से चली जा, वरना उससे शादी करके मैं चला जाऊंगा साउथ अफ्रीका और तू यही बैठी रोती रहना। ये गाड़ी तो चलती रहेगी, तू बता क्या कहती है। अब भाई सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए। अबे मैंने को माशरती उलूम का सवाल पूछ लिया तुझसे, अभी फैसला करना है, टाइम नहीं है हमारे पास, 2 दिन में आ रही वो। बोल भाई क्या करना? ठीक है मुझे मंजूर है। सुनो क्या वो भी तुम्हें इतनी चाहती थी? अबे इसका क्या करूं मैं, बात सुन ले, तूने ये आग लगाई है बिल्किस वाली, बिल्किस को आके जा लेने दे, फिर मैं तेरा बंदोबस्त करूंगा। अबे क्या बंदोबस्त करेगा, चल काम कर अपने, चले निकल। बात सुन, तू भी पतली गली से निकल ले वरना मारता हुआ लेके जाऊंगा। मार तो लेके जाऊंगी, चल चल। उस्ताद ये कौन सा टेम है डेट का, अभी तो आग लगी थी मेरी। अबे चुप कर जा यार, मेरे को टेंशन में हूँ, पता नहीं तेरी भाभी ने इस वक्त मुझे डेट पे क्यों बुला लिया। एक बात सुन लो उस्ताद, तो ओवर टाइम का अलग से पैसे लूंगा मैं। बेटा लोगों का बाईपास होता है, तेरा अंडरपास हुआ और तेरी वजह से मैं ये मोहल्ले में जलील हो रही हूँ, इसका क्या? उस्ताद वो तो तुम्हारा नसीब है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो बस खाली कर रही हूँ।
या अल्लाह ये किस गुना की सजा दे रही है तू मुझे? बेटे तेरे बाप का लिहाज नहीं होता, लाइन रिपीट तो हो रही है लेकिन मैं क्या करूँ, मजबूरी है, बस तेरे बाप का लिहाज कर रहा हूँ, बस तू चुप हो जा। वो तो तुम हो ना उस्ताद गुनेगार, अब ऐसे कुछ ना कुछ तो किया होगा तुमने। अरे एकदम चुप खड़ा रहे। वैसे ये आइटम बहुत आला है ईमान से, वो कोने वाले आगा साहब है ना, वो जब अपनी बिल्ली को बुलाते तो ऐसे ही बुलाते। अच्छा देख मैं जा रही हूँ, कोई खतरा हो ना तो सीटी मार दियो। हाँ बिंदास जा उस्ताद, मैं सबको देख लूंगा। सबको देख लूंगा तो अपने आप को नहीं देख रही है क्या? चल रही है क्या हुआ, इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलवाया है? सब खैरियत तो है? अब्बा निकल गए क्या? नहीं। तो खाला निकल गई? नहीं। तो क्या हुआ, हुआ क्या? अब्बा अब्बा गए? नहीं। अम्मा अब्बा मेरी 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 शादी, मेरी शादी अफ्रीकियों से करवा रहे हैं। क्या? ओह माय गॉड 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 गॉड। अरे क्या पाकिस्तान के लड़के लड़कियां मर गए क्या? हमारी शादी अफ्रीका में होगी? अरे नेमतुल्ला कुछ तो सोच, तूने बात की चची और चचा जान से? हाँ की तो थी लेकिन अम्मा ने कह दिया कि ये शादी ना उनकी लाश पे से गुजर के होगी। हैं? फिर? फिर क्या, अब्बा तो मान गए थे शादी के लिए। अबे नहीं, लाश पे से गुजरने के लिए। तो फिर क्या करें, इस तरह तो कुछ भी नहीं हो सकेगा। अरे ऐसा कुछ भी नहीं हो सकेगा, मैं तुम्हारे अब्बा का केबल काट दूंगा, पता चल जाएगा खालू को। नहीं नहीं इरफान, देख मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरी आंखों के सामने वही अफ्रीकी नाचते हुए नजर आ रहे हैं पत्ते छत्ते बांध के। बहुत ही बड़ी बावली है तू, इतनी टेंशन में अफ्रीकी नाच के बारे में सोच रही है तू? तो क्या करूं, तू कुछ करता पे तो नहीं है? अरे कुछ बात कर, अब्बा से रिश्ते की बात कर। नहीं नहीं मैं कैसे करूंगा? अरे वो नीमतुल्लाह कहा है, उसने कहा था ना तुम लोग की शादी करवा दूंगा, कहा है वो, उसको बोलना। मैं उसको तो बोल दूंगी, तुम क्यों नहीं आके अकेले बात करता अब्बा से? सोचने दे मेरे को, सोचने दे, मैं क्या करूँ, अल्लाह मेरी मदद कर, मैं क्या करूँ? अबे तो क्या करूँ, तेरी फूफो को भी अभी आना था। ए वो सिर्फ मेरी नहीं तेरी भी फूफो है। अच्छा बात सुन ले, अब सिर्फ एक ही तरीका है। अब वो क्या? वो तूने कहा था ना वो पेंट में शादी करेंगे। पेंट में नहीं, कोर्ट में। अबे हाँ जो भी है वही वो कर लेते हैं। मेरा तो अभी शनाख्ती कार्ड ही नहीं बना। क्यों भाई? इसलिए क्योंकि अभी मैं 18 की पूरी नहीं हुई। बड़ी घुन्नी है तू, अभी 5 साल पहले तू वोट डालने आई थी, मैंने तेरा आईडी कार्ड देखा था, हैं? उस वक्त तो मुझे मुंह भी नहीं लगाता था। चल ना बस करना, पुरानी बातें कहां से तुझे याद आ जाती हैं? मम्मा से कब बात करेगा, ये बात कर। मैं करता हूं, तू टेंशन नहीं ले, मैं करता हूं, तू टेंशन नहीं ले। अच्छा सुन, तू ध्यान से जाइयो, ये गली के कोने पे कुत्ते बैठे होते हैं, काट जाएंगे तेरे को। फिक्र नहीं कर, मैं कुत्तों को अपना आईडी कार्ड दिखाते हुए जाऊंगा। अरे खालू आ जाओ खालू। अबे क्या हो गया? खालू मी ने तुम्हारा केबल ठीक कर दिया है, अब देखो खूब फिल्में। अबे तेरे मुंह में घी शक्कर, फिल्मों के बगैर तो मैं रह ही नहीं सकता, मां की सी खुशी में बच्चा क्या मांगता। जल्दी से चिकन टिक्का मंगवा ले, मां से बहुत भूख लग रही है। अबे कौन है ये? अबे तू चुप कर जा यार, मैं कह रहा था खालू मैं जो तुमसे मांगूंगा तुम वो दोगे? अबे मांग के तो देख। अच्छा मैं ये कह रहा था खालू कि तुम जो ना मुझे अपनी फर्जंदगी में ले लो। क्या ले लो? ये अरबी में कह रहे हैं कि चिकन टिक्का मंगवा लो। नहीं नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे तुम अपनी फर्जंदगी में ले लो। अबे पता नहीं क्या अलफल बकरा तू, लेकिन ये जो बात तू कर रहा है उसका जवाब ये है कि आजकल मेरा जरा हाथ तंग है, बच्चे मैं कुछ ले दे नहीं सकता। अरे खालू मैं ये कह रहा हूँ कि तुम जो ना मुझे अपना बेटा बना लो। अबे ये क्या बच्चों जैसी बात की तूने? बस हमने तुझे अपना बेटा बना लिया, और जब तुझे अपना बेटा बना लिया तो मेरी जो मनकूहा है मेरी बेगम वो तेरी खाला हो गई, मेरी दोनों साहबजादियाँ मेरी बेटियाँ तेरी बहने हो गई। चलो साथ, तुम्हारी गानी तो पैकअप हो गई, बिला वजह मुझे रातों को जगवाते थे। अरे खालू दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, मेरी 4 महीने की मेहनत पर पानी फेर दिया तुमने, अभी तुम्हारा केबल काट देता हूँ, बाहर में जो तुम और तुम्हारे टीवी। अबे हुआ क्या, खुद ही बोल रहा था कि अपना बेटा बना लूं मैं तुझे। अरे खालू मैंने कहा था कि फेमिदा को मेरी बहन बना दो। देख अकलमंदी की बात यह है कि जब तू मेरा बेटा बन गया तो मेरी बेटियां ऑटोमेटिकली तेरी बहनें बन गई। अरे खालू बाहर में जाओ तुम और तुम्हारा टीवी, अभी मैं मेन लाइन से तुम्हारा केबल काट देता हूँ, चल बे सीधा चल। बासुर वाह, मेरी फर्जंदी में आना चाह रहा, समझ रहा कि जैसे मुझे पता नहीं चलता, बत्तख के बच्चे को तैरना सिखा रहा है ये। यादा कोई अच्छी सी फिल्म लगी हुई हो। इसको देखो, जले पाँव की बिल्ली की तरह घूमे चली जा रही है। ओ भाई, और तेरा बाप अफ्रीका लेने चला गया क्या उसे? मेरी बाला से कहीं भी जाए वो, लेकिन अम्मा मैं बता रहा हूँ ये जो भी हो रहा ना ये ठीक नहीं हो रहा है। मैं तो कह रही हूँ संभल के दुआ करो मेरे से प्यार ही ना निकल आए। ओफो अम्मा,
वैसे ऐसा हो नहीं सकता। सच्ची? हाँ हाँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल तो बैठा जा रही है। अरे अम्मा, अगर तुमसे प्यार ही हुई तो फिर क्या होगा? तो क्या, अभी इस घर के दो टुकड़ों में फिर तीन हो जाएंगे। अरे वाह वाह भाई वाह। अरे ऐसी की तैसी समीउल्लाह की, उसी के हिस्से में से जाएगा आधा हिस्सा, मेरे हिस्से की तरह अगर किसी ने आंख उठा के देखा ना आंखें खींच लूंगी। हम मोहल्ले में बैनर लगवाते हैं। अरे अरे बिल्कुल, मैं सबका तारुफ करा दूं, जरा इस औरत को और से देखो, ये मेरी बीवी है रोशन आरा, हराम है किसी तरफ से रोशन होता। और ये जो दोनों बच्चियां खड़ी हुई हैं, ये मेरी बेटियां हैं रक्षंदा और फहमीदा। ये शख्स जो दो घंटे से मुंह खोले खड़ा है, ये इसकी बीवी है मुमताज, और ये इनका सपूत, इनका बेटा है ये नेमत, और ये है मेरी बिल्किस। मेरा मतलब क्या, मेरी फूफीजाद बिल्किस। मेरी भी तो है। अबे हर चीज में हिस्सा डालना जरूरी होता है क्या? वैसे समी, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे थे अपनी बेगम के बारे में। क्या कह रहे थे ये? आपकी तारीफें कर रहे थे बहुत। अरे चलो छोड़ो इन बातों को, ये फजूल की बातें। रक्षंदा जा जल्दी से जाके चाय बना, अच्छी सी चाय बना, और बिल्किस का सामान मेरे कमरे में पहुँचा, अंदर पहुँचा दो किसी तरह। वैसे भाई अपना आधा हिस्सा देने का इंतजाम कर लो, तुम्हारा काम तो उतरा ही उतरा। अब्बा की बहन चाय यहीं पियोगी या अंदर चल के पियोगी? जहर लगी है बच्ची, जहर लगी इसमें। क्या तुम लोग चाय पीते हो अभी तक? ओह नो, मैं तो फ्रेश जूस लूंगी, और थक गई हूँ, आराम करूंगी, इतनी लंबी फ्लाइट थी। क्यों, अफ्रीका से पैदल आ रही हो क्या? हाँ बिल्किस, तुम आराम कर लो, कमरा खाली करा दिया तुम्हारी। अच्छा तुम अभी तक जिंदा? मैं तो समझी थी निकल लिए। नहीं निकलेंगे अब। अब्बा फ्रेश जूस तो ले आओ ना इनके लिए। अबे तू भाग के ले आ, क्या फारिग खड़ा हुआ तू? अबे तुम्हारी है ना? अब तुम्हारी नहीं है क्या? अच्छा अच्छा चलो आओ आओ आओ। तुम तो रुको, चल बहुत पैसा है मेरे पास माशाल्लाह से, बैंक बैलेंस, दौलत, गाड़ियां, बंगले, क्या क्या नहीं है मेरे पास। माँ तब माँ नहीं है तुम्हारे पास? अच्छा तुम्हारे पास है? हाँ है ना, ये नहीं मेरे बच्चों की माँ, मैं मजाक कर रहा था मैं यार। ये बताए कारोबार और क्या हुआ पे? क्या बताऊं, कोई एक काम हो तो बताऊं ना। सोने चांदी की काने हैं, अब दो सुपर स्टोर है, और अब एक गैस स्टेशन भी है। देखा मैंने सही कहा था ना इस बारे में। वैसे सुपर स्टोर क्या हो रहा है? अरे करियाने की दुकानें, और क्या। अब वाह करियाने की, माशाल्लाह दो दो करियाने की दुकानें चला रही भाई, वाह जबरदस्त बात हो गई। तो जनरल स्टोर का नाम बिल्किस जनरल स्टोर होगा ना? अरे नहीं रोशन जी, क्या हो गया आपको? वो कोई पाकिस्तान थोड़ी है, वो तो साउथ अफ्रीका है। वहाँ के तो नाम भी बिल्कुल अलग किस्म के होते हैं रोशन डार्लिंग। तू उधार ले ले, आटा मंगवा ले वहां से आटा, बच्चों की शादी की बात हो रही है। अरे बिल्किस ये तो बताओ तुमने क्या सोचा, तुम्हें किस किस्म के रिश्ते चाहिए तुम्हें? मुझे तो बहुत पैसे चाहिए हैं? मतलब पैसे वाले लोग चाहिए, क्योंकि मैं खुद बहुत अमीर हूँ ना, मेरे पास बहुत पैसा है। अरे बिल्किस अच्छे रिश्ते कहाँ मिलते हैं? अब देखो ना, मैं अपने बेटे के लिए अपने अरसे से लड़की ढूंढ रही हूँ, अभी ना मिलके दी। मैं मुमताज बिल्कुल सही कह रही है वहां से बिल्किस, जब नामतुल्ला होने वाला था मैं शक था कि लड़का होगा शायद, जब से लड़की ढूंढ रहा है अब तक नहीं मिली। अरे बिल्किस फिक्र मत कर, एक से एक रिश्ता यहाँ मिल जाएगा, अब तुम्हें तरद्दुद करने की जरूरत नहीं होगी, मैं ढूंढूंगा तेरे लिए रिश्ते। और हाँ अगर 1% भी रिश्ता नहीं मिलता तो मैं अपनी किसी बच्ची की शादी तेरे बच्चे से करा दूंगा, ये समीउल्लाह का वादा है अपनी बिल्किस से, अपनी फूफीजाद बिल्किस से। जी ने मरने की कसम भी खा लो। नहीं 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 समीउल्लाह आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं खुद ढूंढ लूंगी अपने बच्चों के लिए रिश्ते, दरअसल ना मुझे बहुत पैसे वाले लोग चाहिए। भाईजान तुम फारिग हो।
अबे मैं खालू को छोड़ूंगा नहीं, इन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अबे क्या बात कर रहा, खालू ऐसे हो गए? और मेरे साथ भी, एक चिकन टिक्का मंगवा ले तो उस दिन तो क्या मौत आ जाती। अबे तो मेरे साथ भी देख रहा क्या हो रहा है, ना देख रहा ना कुछ, और शादी अफ्रीकन से करवा रहे मेरी। वैसे साइड पोस्ट तुम्हारा भी अफ्रीका वाला ना है ना उस्ताद? यार मुझसे मत पूछ यार, मेरा मीटर इस वक्त बड़ा शार्ट हुआ हुआ है। अच्छा भाई अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अभी नेमतुल्ला तूने तो अम्मा अब्बा को भी बता दिया था ना? अबे तो ये देख ना, उसके बाद भी मेरे साथ ये कर रहे हैं वो लोग। अभी नेमतुल्ला बात सुन, हमें किसी भी तरीके से पुप्पो को यहाँ से भगाना होगा, वरना सही बता रही हूँ तुझे, हम लोगों की लुटिया डूब जाएगी। वैसे इरफान तेरा दुश्मन और मेरा दुश्मन ना एक ही है। कौन बे? अबे तो मेरे अम्मा अब्बा को आइडिया दिया ही ताया ने था कि नेमत की या फहमीदो और रशद नेमत किसी एक की शादी अफ्रीको से कर दो। अबे ये जो तेरा ताया है ना, कसम अल्लाह पाक की मुझे दो बार चूना लगा चुका है, एक बार 50 के नोट का और एक बार 1000 के नोट का, खुल्ला मांगने के बहाने। अबे ये वही वाला 1000 का नोट है जो आगे 1000 का पीछे से 100 का है। अबे तुझे कैसे पता भी? अबे वो तो मैंने दिया था उनको। बहुत अच्छे भाई, तुम लोग खानदानी चीटर हो। ओए देख इरफान को समझा ले, खानदान तक ना पहुंचे ये, और वैसे भी अब तू भी हमारे खानदान की हो गया है। अबे चल बे, किस खानदान की बात कर रहा है तू? तेरे ताया ने तो फहमीदा को मेरी बहन बना दिया। अबे तो इस हिसाब से भी तू हमारे खानदान का ही हो गया ना। अबे ओ नेमतुल्ला दिमाग शार्ट मत कर, मेरा पहली दिमाग शार्ट हुआ है। ओ तू बोलना वो। अबे अच्छा ना, गुस्सा मत कर चील कर। चल भाई कान बंद कर तू अपने जरा। तो भाई उस्ताद का गालियां देने का मूड हो रहा है। अरे फिर एक काम कर, तू ताया को गाली देता रहा, मैं जाता हूँ उस मसले का हल भी तो निकालना है ना। चलो क्या हो रही है ये? उस्ताद फालूदा खाने का दिल से आ रहा है, चले। फालूदा? एक बात बता दे, तू कुदरती बेवकूफ है या बाद में कोई कोर्स किया? तूफान आने वाला है। अरे नहीं, मैं तो ये सोच रही हूँ कि जैसा कि बिल्कीस कह रही है, उस लिहाज से तो इसका मियाँ बड़ा ठीक ठाक पैसा छोड़ के मरा है। हाँ यही तो मैं भी सोच रहा हूँ, अगर नेमतुल्ला की शादी उसकी लंबिया से हो गई तो बारे नियारे हो जाएंगे उसके तो। अरे वो मानेंगे कहाँ, उनको तो पैसे वाला घर चाहिए, पैसे वाला। अब तुमसे तो कोई उम्मीद है नहीं, क्योंकि तुम तो सदा के हड हराम और कंगले हो। अबे ये क्या चला यार, घूम फिर के बाद मेरे पे आ जाती है, चौरंगी पे बैठाऊंगा मैं? तो मैंने क्या गलत कह दिया, कंगले नहीं हो तुम, कोई काम करते हो क्या? अच्छा बता दे मुझे क्या करूँ मैं? तुम अपने अंदाज बदल लो, उठने का, चलने का, फिरने का, बैठने का, सारे अंदाज बदल लो बस। अब तो क्या अब सर के बल चलना शुरू कर दूं? कर देना वही जाहिलों वाली बात। अरे तुम्हारे पास है नहीं, लेकिन लगना चाहिए कि तुम्हारे पास बहुत दौलत जायदाद है, जमीनें हैं, फैक्ट्रियां हैं, समझे? तब नेमतुल्ला का रिश्ता होगा वहाँ पे। अब सोच लो। भाई वाह रोशन आरा वाह, तुमने जिंदगी में पहली बार कोई अकलमंदी की बात की है। हाँ तो अगर ये शादी नहीं होगी तो तुम्हारी समधन कैसे बनेगी? और अगर ये शादी ना हुई तो? लेके भाग जाओगे, मैं क्या करूँगी? अब तुझे कैसे समझाओ, ये सब अफवाहें हैं, मेरा उससे कोई चक्कर नहीं। खानदान में जब भी कोई घटिया काम होता सब घूर घूर के मुझे देखने लगते हैं। हाँ तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा मेरा मतलब है कल से ना तुम अपने आप को अमीरो कबीर दिखाना, खूब यूं ऐसे करके। भाई बस फिर ठीक है, यूं समझोगे कल से मैं सेठ समीउल्लाह पक्का हो गया। जब मेरी फहमीदा अफ्रीका चली जाएगी तो मैं क्या करूँगी? भाई ये टेंशन तो साउथ अफ्रीका वालों को होनी चाहिए, बस जरा ये शादी होने दे, फिर तुझे भी मैं घुमा के लाऊंगा साउथ अफ्रीका। फिर इस समय मैं अफ्रीका जाके क्या करूंगी, वही तो अमेरिका लेके जाओ। साउथ अफ्रीका जाने के लिए बुढ़िया बन रही हो और अमेरिका जाने के लिए यंग और नौजवान हो रही हो, 16 साल की है। अच्छा बात सुनो, ये वो गैस स्टेशन क्या होता है? गैस स्टेशन? गैस स्टेशन वो होता है जहाँ गैस के मरीजों का इलाज होता है। लो देखो जरा, तो क्या जरूरत है भाई, सीधी सीधी कह दे गैस के मरीजों का अस्पताल, गैस स्टेशन, हमें क्या समझ आए भला है? अच्छा कल तुम ना मेरे को अच्छे से कपड़े कल्फ लगे हुए निकालना, मैं अपनी जमीनों पर जाऊंगा। अरे वाह, आप दोनों सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं? जमीनों पे। जमीनों पे? कहाँ है आपकी जमीन? है जमीन है, अल्लाह की जमीन है, कहीं भी हो सकती है। बीरपुर अम्मा थेलो। ये कहाँ है? ये टंडो जाम और टंडो आदम और उसके टंडो अला यार से आगे। अच्छा अच्छा ठीक है, एक काम कर यार, तू चले जा, इतना दिल नहीं चला। अच्छा चल फिर तू चला जा, मैं रुक जाता हूँ घर पे। नहीं नहीं नहीं, काम पे जाए ना, पैसे आएंगे। चलो अल्लाह हाफिज। कल तो मैं जा रही हूँ सुमेरा के साथ, और ये बड़े अच्छे अच्छे दो तीन रिश्ते बताए उसने मेरे बच्चों के लिए।
अरे भाई ये सुमेरा वही है ना, मामू कुद्दूस की बेटी। अरे हाँ हाँ वही तो। भाई बिल्कुल जरा ठोक बजा के देख लीजिए, बस सुना उसके रिश्ते पायदार नहीं होते। मेरे मुंह में खाक सुना 6 महीने के अंदर अंदर तलाक हो जाती। वैसे बिल्कुल तुमने अपने बच्चों की ना तस्वीरें नहीं दिखाई, भाई हम भी तो देखे हैं समीउल्लाह के भांजे भांजी कैसे हैं। बाप बाबजी हो गई क्या, ये भांजा भांजी कहना जरूरी है? हाँ? किसी डॉक्टर ने बताया क्या? बस सीधा सीधा कहो बिल्कुल अपने बच्चों की तस्वीरें दिखा। अरे अच्छा ना भाई, ये लो, ये देख, ये है मेरा बेटा। अच्छा अच्छा अच्छा, भाई वाह वाह वाह, ये तो बिल्कुल सलमान खान लग रहा है। हाँ ना, तो सलमान ही तो नाम है इसका। रंग जरा गहरा हो गया, धूप में पड़ा रहता है ये। इधर लाओ ये देखो, माशाल्लाह माशाल्लाह कितने अच्छे डोले अन्ना है, बिल्कुल सलमान खान लग रहा है। सलमान खान ही तो नाम है रोशन डार्लिंग। हाँ। अच्छा भी बिल्कुल ये बता, तुझे लड़की कैसी चाहिए अपने बेटे के लिए? भाई लोग पैसे वाले होने चाहिए, लड़की तो जैसी भी होगी चलेगी। हाँ वैसे भी अफ्रीका में तो हमारी लड़कियाँ खूबसूरत तरीन होंगी, तुम तो हूर होगी वहाँ पे, है ना? हाँ वैसे तुमने क्या बताया था समीला, कितनी जायदाद होगी तकरीबन तुम्हारी? भाई 2-4 हवेलियाँ हैं और चावल की एक मिल है। क्या चावल की मिल? देखो ऐसे गलती से मुंह से निकल गया, चावल की मिल, वो शुगर की मिल है। हाँ ना शुगर है ना, मिले लगी हुई है सीधे। अच्छा शुगर मिल, और तुम इस इलाके में रहते हो? अब हम ना, अब असल में क्या हुआ कि इतने महंगे महंगे मोबाइल चोरी हो गए थे अमीरों के महल्ले में, जहाँ रहते थे वहाँ पे ना, लालू खेत में जहाँ अमीरों के महल्ले में रहते थे, इसलिए हम यहाँ गरीबों के महल्ले में आ गए। और कोई बच्चियों के लिए जेवर और बनाया है तुमने? बहुत सारा, इतना सारा है, थोड़ा सा यहाँ पे घर में, एक अंगूठी यहाँ पे, बाकी सारा बैंक में। दिखाओ ना जरा। आज सुबह बैंक से निकाल के ले आऊंगा, इत्मीनान से बैठ के देख लेना। वैसे एक बात है ईमानदारी की, भाई इस तरह हल्के मेकअप में बहुत प्यारी लगती हो बिल्कुल इस कसम से। हेलो, एक तो ये बैडमिंटन जूतों से खेलना शुरू कर दे। अब मैं बाद में फोन करती हूँ। यानी खालू ने पक्का इरादा कर लिया तुझे अफ्रीका भिजवाने का? देख इरफान, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं कुछ भी हो जाए मैं अफ्रीका नहीं जाऊंगी। वैसे सच कहूँ मुमताज डार्लिंग, इस घर में ना सबसे ज्यादा जहीन मुझे आप ही लगती हैं। शुक्रिया, कभी गुरूर नहीं किया वैसे मैंने। अच्छा ये तो बताइए कि ये जो सारी जायदाद है कलीमुल्ला की, अकेले संभाल लेते हैं सब कुछ? अरे नहीं नहीं, नौकर चाकर रखे हुए, इतनी बड़ी जायदाद है, अमीर लोग खुद काम थोड़ी करते हैं। हाँ तो वैसे ना क्या क्या है जायदाद में? क्या क्या है वो तो पता नहीं है मुझे, कुछ उल्टा सीधा मुंह से निकल गया तो फिर फंस जाएंगे ना हम तो। क्या मतलब? वो कलीमुल्ला बस आते ही होंगे ना, तो उसी से पूछ लीजिएगा। दरअसल जमीन का मामला है ना, कभी खरीदते हैं कभी बेचते हैं, तो पता नहीं ना क्या बेच के क्या खरीदा, तो वो क्या हो रहा है ये लो। भाई मैं आप लोगों की तरफ आई थी इसलिए कि आपसे बात ही नहीं हो पाती है, आज मैंने सोचा आप दोनों से बातें करूं। ये अच्छा किया तूने भाई। वो जायदाद का पूछ रही है। जायदाद जायदाद बहुत माशाल्लाह, जिधर नजर जा रही जमीन तक सारी जमीन हमारी है माशाल्लाह। और जमीनों के अलावा कुछ नहीं है ना, वो एक 3,000 गज की कोठी है वहाँ पे, और बहुत बड़ी जमीन है, जायदाद है। और वो क्या है, क्या मुमताज, और क्या है? वो होटल है, होटल ही तो है हमारे यहाँ। हाँ वो होटल है ना बहुत बड़ा। हाँ तो ये सब जो है वो नेमतुल्ला संभालता है? हाँ हाँ, रोजाना जाता है, दूर से देख के खड़ा होता है और वापस आ जाता है, बस देखते रहता। अच्छा तो ये तो बताइए ना, आपने नेमतुल्ला की दुल्हन के लिए कुछ बनाया है? हाँ अलमारी में 2 सेट पड़े हुए हैं, 3-4 तो बैंक में पड़े हुए। तो अब जो घर में रखे हैं वो दिखाओ ना मुझे, मुझे ना नए नए डिजाइन देखने का बड़ा शौक है सोने के जेवरों का। हाँ अभी लेकर आती हूँ मैं, दौड़ के लिए जल्दी अभी जा सकते। चाबी तो नहीं जाओ? अरे भी आ जाए क्या, एक मिनट।
यानी खालू ने पक्का इरादा कर लिया तुझे अफ्रीका भिजवाने का। देख इरफान, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं कुछ भी हो जाए मैं अफ्रीका नहीं जाऊंगी। अरे तुझे अफ्रीका से डर लगता है जब भी तू नहीं जाएगी, इसका मतलब हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। अभी तेरी ही तो वैल्यू है, लेकिन तू तो कुछ कर ही नहीं रहा, कुछ ऐसा करके रिश्ता किसी तरह खत्म हो जाए। अरे कैसे रिश्ता खत्म करूं, मैं तेरे अब्बा के पास गया था, उन्होंने मुझे तेरा भाई बना दिया। और वैसे जो तेरे अब्बा ने बड़ी अजीब अजीब बातें करते हैं, मैंने तेरे अब्बा से कहा, मैंने कहा खालू आप गैरतमंद हो, कह रहे नहीं मैं जरूरतमंद हूं। अबे तू नहीं जानता, अब तो अब्बा ना अमीर बनने की एक्टिंग कर रहे हैं ताकि किसी तरह से भी वहाँ रिश्ता मेरा हो जाए। तू एक काम कर, तू किसी भी तरीके से मुझे अपनी फूफो से मिलवा दे, मैं उनको ऐसा राग दूंगा कि वो तेरी शादी अपने बेटे से नहीं करवाएंगे। अबे हाँ, अबे ये आइडिया बिल्कुल ठीक हो गया। एक काम करूंगी, कल जब अब्बा कहीं जाएंगे ना तो मैं ना टीवी की केबल निकाल दूंगी, इसी बहाने में तुझे बुलाऊंगी, तेरी मुलाकात भी हो जाएगी पप्पो से। एक तरीका और भी है। वो क्या? अगर तेरी शादी उस अफ्रीकन से हो जाती है तो फिर मैं तेरे लिए कुर्बानी दूंगा। मतलब? अरे मतलब ये कि मैं तुझे अफ्रीका अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं भी तेरी फूफो की बेटी के साथ शादी करके मैं भी तेरे साथ जाऊंगा। कैसा दिल चाह रही है कि तेरे मुंह पे तेजाब फेंक दूं? फायदा क्या, फिर तो मेरा मुंह तेरे अब्बा जैसा हो जाएगा। अभी हूँ इरफान, कमीना कहीं का बहुत ही बुरा है, कट्टी हूँ मैं तुझसे, बताई हूँ आइंदा यहाँ अफ्रीका ही चली जाऊंगी। अरे क्या हो गया, मेरे घर में साउथ अफ्रीका में तो ये बड़ा टीवी था, ये इतना सा टीवी भी चल के नहीं दे रहा। ए पप्पो, मैं कोशिश तो कर ही रही हूँ ना। देखो पप्पो, ये मुझसे ठीक नहीं हो सकता, ये तो केबल वाला ही ठीक करेगा। वैसे मैंने केबल वाले को फोन कर दिया, आना ही वाला होगा। भाई कब आएगा, मेरा तो खाना ही हजम नहीं होता जब तक मैं कोई अच्छी सी इंडियन फिल्म ना देख लूं। लगता है कि केबल वाला आ गया, मैं आई। हाँ, हाय शुक्र, कोई फिल्म लगी अच्छी सी तो मेरा खाना हलक से नीचे उतरे। आओ आओ अंदर आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी केबल लगाई है, टीवी क्यों नहीं चल रहा? अरे खाला अभी ठीक कर दे तो नो प्रॉब्लम नो टेंशन। हाँ करो जल्दी करो। देखो देखो अच्छा सा काम करियो, ये मेरी पुप्पो हैं साउथ अफ्रीका से आई हैं। अरे हमारी भी पुप्पो हैं, घर जैसी बात है। अच्छा पुप्पो, मैं बर्तन धो कर आती हूँ। क्या हंस रहे, काम कर, सही कर जल्दी से। मैं कह रहा था खाला आप बहुत माशाल्लाह ब्यूटीफुल हो, पता है कि आप अपने हुसन का सदका दिया करो, और आपके हुसन का सदका पता है क्या है, किसी कवारे को देखकर मुस्कुरा दिया करो। अच्छा तो यहाँ कौन है कवारा? ये तो है बच्चा, और तुम तो मुझे लग रहे हो दो शादियों और दो तलाके भुगता कर आयो। नहीं खाला, मैं बेचलर हूँ, ये काम वाला मेरा पार्टनर है। खाला वैसे काफी ज़हीन लगती हो आप, इनके खानदान की नहीं लगती है? वो मैं दरअसल साउथ अफ्रीका से आई हूँ। वही अफ्रीका खाला, यहाँ सारे काले रहते हैं। बेवकूफ, वहाँ गोरे भी रहते हैं। अरे तो चुप कर यार, वैसे खाला क्या प्रॉब्लम क्या है, तुम इतनी मुख्तलिफ क्यों, इनसे समझ नहीं आ रहा। मुख्तलिफ मतलब? नहीं खाना, मैं ये कह रहा था ये लोग जो है ना बिल्कुल जाहिल लोग हैं, पूरे मोहल्ले में इनको कोई मुंह ही नहीं लगाता सिवाय उस्ताद के। तो एक काम कर, वो हमीद साहब के घर से कॉल आई थी, उनकी बेटी कह रही थी मैं अकेली हूँ और केबल भी सही नहीं आ रही, जा तू दोनों को चेक करके। नहीं करो उस्ताद, ईमान से लो मैं चला। हाँ तू चल, तू चल। एक बात बता जरा, ये इन्हें कोई मुंह क्यों नहीं लगाता? अरे खाना इनके काम ही ऐसे, इनकी जो बड़ी बेटी है ना वो चरस पीती है, फुल टून पार्टी है। सच कह रहे हैं? हाँ हाँ खाला, और लड़की को चरस ला के कौन दे रही है, इसके अब्बा खुद, अब तो इतनी पक्की हो गई है पानी में घोल के पी जाती है। नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, यानी समीउल्लाह खुद ला कर देता है? खुद, मेरी माँ की कसम, और कभी चरस बच जाती ना तो इसके अब्बा खुद पी जाते हैं। समीउल्लाह चरस बेचता है? हाँ, और आपको नहीं पता इनकी अम्मा जी ने अल्लाह मुझे महफूज रखे मोहल्ले में 6 तलाके करवा चुकी है, और एक ही तो बात भी चल रही है वो भी ये एंड तक 9 बजे तक हो ही जाएगी। और बता कैसे ये लोग? कैसे मजा आ रहा है गीबत में है खाला, पक्की औरत हो तुम। तो सुनो, इनके अब्बा जी ना 2 दफा जेल जा चुके, एक बार तो मैंने जमानत करवाई थी। क्यों क्यों? तो वो जमीनों पे कब्जा चाइना कटिंग करते हुए पकड़े गए थे। अल्लाह मुझे महफूज रखे खाला, मैं तो कभी किसी की बुराई करता नहीं, वो तो तुमने मजबूर किया तो मैंने तुम्हें बता दिया। अच्छा मैं चलता हूँ, ठीक है। दोबारा भी आई हूँ, और जरा कलीमुल्ला के बारे में मालूमात लेके बताइए मुझे। सब बताऊंगा, जितना याद कर सकता हूँ याद करके आऊंगा बताऊंगा। चिड़ियाघर चलेंगे, हम तसल्ली से बात करेंगे। क्यों जाऊंगी चिड़ियाघर पे, यही आके बताइयो सही हुआ नहीं हुआ। नहीं हो गया, निकल हो गया हो गया। अबे यार ये अब्बा और चाचा क्या कर रहे हैं, मेरी तो ना कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। क्या कर रहे, तू देख नहीं रही है, पप्पो के सामने भरम दे रहे कि हम लोग बहुत अमीर है ताकि उनके बच्चों के रिश्ते यहाँ हो जाए। तूने दोबारा बात की चाचा और चाची से? अबे क्या बात करूँ, एक दफा करके तो देख ली, वो तो तुम्हारा नाम सुनने को तैयार नहीं है। तो फिर आप क्या करोगे?
कुछ समझ नहीं आ रहा। एक काम करते, भाग के शादी कर ले। सोच ले, फिर बाद में ये ना कह देना कि मैंने तुझे ना भागने पे मजबूर किया था। अरे पागल आगल हो गया क्या? नहीं नहीं नहीं, रहने दे, मुझे तो उस पर कोई भरोसा नहीं है। चल कुछ और सोच। मैं क्या करूँ, समझ नहीं आ रही। ए हाँ, मैं पप्पू से बात करूँ। पागल आगल तो नहीं हो गई? अपने रिश्ते की बात करते अच्छी लगेगी। मुझे काम कर, ताया मुझे बात करिए। मैं नहीं करी ताया बाबू से रिश्ते की बात। हाँ मैं पप्पू को ना तेरे खिलाफ भड़का देती हूँ कि तू सही आदमी नहीं है। इस तरह ना वो अपनी लड़की का रिश्ता तेरे हाथ में नहीं देंगी। कैसा? अच्छा, मेरा रिश्ता टूट गया, तेरा रिश्ता उनके बेटे के साथ, तो अफ्रीका भाग जा, मैं यहाँ पे मर जाऊँ। ए मैं जा रही हूँ, ना तू खुद कुछ कर रहा और ना मुझे कुछ करने दे रहा है। चल चला कुछ सोचता हूँ, टाइम दे मुझे थोड़ा। ए प्लीज अब तू कुछ कर ले, मैं तंग आ गई हूँ रोज रोज के झगड़ों से। जल्दी से पहले दरवाजा बंद कर। हेलो तोबा। ओहो मैं कोई और बात करने लगा। दरवाजा बंद कर, क्या जल्दी कर। आजा ये देख, ये देख ये क्या है। क्या है? ये जेवर है, इसमें अपने घर का जेवर शामिल करके बिलकीस को दिखा देना। इतना जेवर कहाँ से लाए? ये मेरा एक दोस्त है, उसका यही कारोबार है, दो चार दिन के लिए उधार मांग के लाया हूँ। आए हाय, भरोसा कर लिया तुम पे? मैं तो अभी तक नहीं कर सकी भाई। क्या मतलब भरोसा कर लिया? मैं कोई चोर चक्का हूँ? क्या हो गया? मैं तो ऐसी बात कर रही थी, क्या हो गया भाई, क्या हो गया? एक तो मैं इस कदर भाग दौड़ कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ कि बच्ची का घर बस जाए, और तू है क्या फजूल बातें कर। ये ला कितना प्यारा है ना, ला ऐसा मुझे भी बना के देना। बस एक बार शादी हो जाए फिर पैसा ही पैसा होगा हमारे पास। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र करो, है जेवर ही देखने को मांगा, अगर कहीं से जमीन मांग लेती देखने को तो फिर हम क्या करते? वो तो और आसान था। हाँ वो कैसे भाई? मैं उन्हें मलिर ले जाता और सारे खेत दिखा के कहता भी ये सारी जमीन है हमारी। हाँ अल्लाह की कसम, बहुत ही चीटर हो, एक नंबर के अव्वल नंबर के चीटर हो, चीटर। चल निकल। क्यों क्यों? अपने शौहर को चीटर कह रही तू? मैं नहीं बोल रही, क्या बात हो गई, मजाक कर रही थी, क्या हो गया? ये अटकेलियां मुझे पसंद नहीं है। कल को तो मुझे थाने में बंद करवा के ड्राइंग रूम की सैर करवा के कहेगी कि मैं तो मजाक कर रही थी, मजाक मजाक में तुम्हें बंद कराया। नहीं वो तो मैं सच्ची मुच्ची कहूंगी। चल चल निकल, वहां रख अलमारी में रख जेवर, चोर चक्कों का कुछ पता नहीं होता। ताला लगा देना अलमारी को। खुदा की कसम हद हो गई, ना हमारे बाप ने इस तरह में समझाया होता ना तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ता हमें। मतलब समझा रहा है तुझे भाई, ध्यान से देख ले, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते यार। नहीं अब्बा नहीं, बस बहुत हो गया, मैं पागल तोड़ी हूँ, मैं बचपन से ऐसी चुप चुप के रक्षण था वो देख रहा हूँ, अब मैं शादी करूंगा तो सिर्फ उसी से करूंगा बस। सत्यानाथ जानी तुम बेगैरत, अरे माँ बाप के सामने बोल रहे कि छुप छुप के देखता था। तो सच बात है ना अम्मा, शुक्र करो मैंने कोर्ट मैरिज नहीं कर ली अब तक। अरे कोर्ट मैरिज की धमकियां दे रहा है तू, सुन रहा तुम? मैं अब जूता मार दूं खुदाई कसम, खींच के शर्म लिहाज है नहीं है कोई, इतनी मेहनत कर रहे हैं हम तेरे लिए, बिल्कीस को घेर रहे हैं और तू हमें कोर्ट मैरिज की धमकियां दे दिया। हाँ तो मैंने थोड़ी बोला था कि फुप्पो को घेरो, तुम लोग अपनी पसंद से घेरो। असल में मुझे समझ आ गया सब, कि तुम दोनों ना अफ्रीका जाने के चक्कर में इस गेम में मुझे फंसा रहे हो। अरे अपनी जबान बंद कर ले, मुझे तो ये अफ्रीकी यही बैठे बैठे मिल गया है, मुझे क्या जरूरत है अफ्रीका जाने की। अबे अपने फट्टे में मुझे भी बीच में डाल लो भाई। अम्मा कान खोल के सुन लो, मैं भी नहीं जा रहा अफ्रीका, और ना शादी करो फुप्पू की बेटी से। अगर अब तुम इतना ही शौक है ना तो खुद शादी कर लो अफ्रीका में। अच्छा जा तू दफा हो जा, मैं कर लूंगा खुद दफा। बड़े मजे आ रहे हैं, शादी कर लूंगा। ओ भाई बात सुन ले, तू भूल जा बिल्कुल रक्षिंदा को, अपने दिमाग के वर्क से मिटा के रख दे, शादी तो तेरी वही होगी, रक्षिंदा से बिल्कुल नहीं होगी, बता रही हूँ मैं। ठीक है ना, बच्चे पे जुलुम करो ना, जोलिया उठा उठा के बद्दुआ दूंगा मैं। ओ भाई ओ अल्लाह का वास्ता तुझे, देख मैं बहुत कमजोर आदमी, मुझे बद्दुआ मत दियो, ये पीछे लगी है खुदा की कसम, बस एक मरतबा बद्दुआ मिली नहीं तो ये मिली, अब तू इसी को दे। चल चल दे दे, जितनी बद्दुआ देनी है तू दे, लेकिन तू शादी होके अफ्रीका ही जाएगा ये बता रही हूँ मैं। तो बस ठीक है, आज से मैं इधर ऐलान है जंग करता हूँ, बस कटी सबसे। अच्छा दबा दबाओ, नहीं जरूरत है तेरी, दबाओ जानी आना। अबे देवर वो बा बा क्या कर रही है ममता, जवान जान लड़का को उल्टी सीधी हरकत कर बैठे। अच्छा रहने दो, जाता तो जाए, मैं नहीं आने वाली इन धमकियों में, ना काम के ना काज के दुश्मन, ना आज के जैसे अब्बा वैसे बेटे। हाँ हाँ कोई नहीं, खैर है क्या हो गया, इसमें बच्चा है ना, समझा जाएगा समझा। अरे एक बात तो बताओ, तुम्हारे अम्मा अब्बा जितनी जल्दी कैसे सो गए? सोए कहाँ, जबरदस्ती सुलाया। क्या कह रही है?
पप्पू ये कह रही है कि ना अब्बा बहुत थक गए थे और अम्मा भी बेचारी शाम से काम कर करके ना उसकी भी तबीयत खराब हो रही थी, तो जल्दी सो गए आज सब। वैसे बात सुन, तेरी सेहत देखकर मुझे लगता नहीं है कि तू चरस पीती होगी। क्या पप्पू ये क्या कह रही हो? अरे कुछ नहीं भाई। अच्छा तो ये बता गरीब का लड़का कैसा है? मैं बताती हूँ पप्पो, एक नंबर का बदतमीज, आवारा, छिछोरा और बाल पते कैसे बनाता है, यूं चिपका के पता नहीं किन मोहल्ले की लड़कियों को इंप्रेस कर रहा होता है, बहुत ही बुरा है। खैर पढ़ा कहाँ तक है? आठवीं बस। नहीं नहीं पप्पो मैं बताती हूँ, दूसरी तक पढ़ा हुआ है, बल्कि दूसरी क्लास में ना स्कूल से भाग गया था। अरे पढ़ाई तो दूर, अपना नाम भी नहीं लिख सकता वो तो। हाँ देख बिल्कुल अपने ताया पे गया। समीउल्ला भी पढ़ने का बड़ा चोर था भाई। पप्पो एक बात तो बताओ, आपके बच्चे ने कहाँ तक पढ़ा है? मेरा जो बेटा है ना वो डॉक्टर है, जानवरों का डॉक्टर, और बेटी मेरी MBA है। है जानवरों का डॉक्टर? ये वही ना। अरे तू समझती नहीं है बात को, देख अफ्रीका में तो बहुत जानवर होते हैं ना, इसलिए वहाँ पे जानवरों का ही डॉक्टर बना होगा, है ना? हाँ अच्छा देख भाई, मुझे ना नेमतुल्ला के बारे में जरा और बताओ। अरे पुप्पो मेलने की कोई ऐसी लड़की नहीं जैसे छेड़ी ना हो। अरे इतनी बार तो छापा पड़ा है घर में। तोबा तोबा, पत्नी कैसा लड़का है। बिल्कुल ठीक कह रही है, आपको क्या पता। अरे दो बार तो जुआ खेलते हुए पकड़ा गया, और तो और चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की पुलिस वालों ने, बहुत ही बेकार है। तोबा 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 तोबा, कैसी तरबियत की कलीमुल्ला ने उसकी, एक तो जुआ खेलते है ऊपर से पकड़ा भी जाता है। पुप्पो आपको पकड़े जाने पर एतराज है, पर जुआ खेलने पे? अरे भाई पकड़े जाने पर एतराज है, वरना जुआ खेलना कौन सी बुरी बात है। एक तो बंदा जुआ खेले फिर पकड़ा भी जाए, ये तो कोई बात ना हुई भला। असल बात तो, असल फनकारी तो ये है कि बच के निकल जाए, वरना क्या फायदा। आप लोग आइए, बस आप ही की तरफ आ रही थी। हाँ वो आपने कहा था ना कि जेवर देख रहे, तो मैं जेवर लेके आ गई। ले आए जेवर आप? भाई आप कहो और हम ना आए, ऐसे तो हालात नहीं। कैसे हालात? ये तो कुछ भी नहीं है, इससे डबल तो हमने बैंकों में रखा हुआ। अच्छा कम से कम 5-6 लाख रुपए का तो होगा ये। क्या बावली होगी बिलकिस, सिर्फ ये जो हार है ना यही 6 लाख रुपए का है। हाँ अब ये बच्चियों के अब्बा ने कहा है कि 10-10 लाख तो केस देंगे, हाथ में यूं थमा के। अच्छा अब वो भी घर में ही रखे हुए? बैंकों में है, बैंकों में। भाई मुझे तो बड़ी खुशी हुई समीउल्लाह और कलीमुल्लाह से मिलके, खुदा ने कितना पैसा दिया है तुम दोनों को। मैं तो बिलावजह ऐसे ही बाहर घूम रही थी अपने बच्चों के रिश्तों के लिए। अरे भाई हम तो तुम्हारी एक नजर की तलाश में हैं और तुम हो गए देख ही नहीं रही हो। ऐसा है कि मुझे लग रहा है कि दवा का टाइम हो गया, इंजेक्शन लगता है, इनको लेके जा रही हूँ इनको मैं। चले दवा? ये खुराक ना मिले ना मैं तो ये हाथ से निकल जाए। अच्छा भाई मुझे ना एक जरूरी बात करनी है तुमसे और कलीमुल्ला से, आज शाम ना दोनों घर पे ही रहना जरा। हाँ हम तो घर पे ही हैं, हमने कहा जाना है, सब खैरियत तो है ना वैसे? हाँ हाँ खैरियत है, बस मैंने एक बहुत जरूरी फैसला किया है, तो मैं चाहती हूँ कि उस पर राय लूँ इन दोनों से। कैसा फैसला बिल्लो? बिल्किस वो तो मैं शाम को ही बताऊंगी। नहीं शाम में क्यों, अभी क्या बताओ ना, इस फैसले तो दिन में बताया जाता है, दिन की रोशनी में बताओ ना। ये तो अपनी रोशन आ रहा है, मैं तो भूल ही गया था। मैं शाम को आके सुन लूंगा बात। नहीं नहीं हम आएंगे, हम आएंगे। चलो लिख लो, चलो आओ, चलो ना आ जाओ। ये तो ये दे ना, हम वापिस लेके आऊंगी ना, मेरे है ना मेरे। अब आ भी जाओ बिल्किस, पिज्जा खिलाया ना मान से तबियत खुश हो गई। तारीफ बाद में कर लेना, पहले बोलना तो ठीक से सीख लो। पिज्जा नहीं पिज्जा। वही जो मुझे मुमताज कह रही ना, बल्ब बल्ब बल्ब। अबे छोड़ पीजे पीजे को, क्या लेके बैठ गया तू। हाँ बिल्किस वो बात बता जो तूने मुझसे और कलीमुल्ला से करनी थी और तुमने कहा था शाम को करूंगी। चुप। वो कौन सा फैसला कर लिया? समीउल्ला और कलीमुल्ला, मैं इतने अरसे के बाद पाकिस्तान आई हूँ, मुझे तो बहुत खुशी हुई है देखकर कि आप लोगों ने इतनी दौलत जमा कर ली है। वैसे माफ कीजिएगा मगर लगता नहीं है देखने कि आप लोग इतने अमीर होंगे। हाँ वो तो है, दोनों की शक्लों से गुर्बत रच के टपकती है। हाँ
तो मैं कह रही थी कि मैंने ये सोचा है आप लोग मेरे रिश्तेदार हैं, तो मैं बाहर क्यों बिलावजह अपने बच्चों के रिश्ते तलाश कर रही हूँ? जब आप लोग माशाल्लाह इतने करोड़पति हैं तो मुझे और क्या चाहिए? मेरे अपने हैं ना आप लोग तो। लेकिन देखिए, फिर भी अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो मैंने ये सोचा है, बल्कि मैंने ये फैसला किया है कि मैं अपने बेटे का रिश्ता इनकी बेटी फहमीदा से और अपनी बेटी का रिश्ता आपके बेटे नेमतुल्लाह के साथ तय कर दूं। लेकिन हाँ, लेकिन कोई अगर एतराज ना हो आप लोगों को तो। अरे बिलकिस, कैसी बातें कर रही है यार तुम? भैया हमें कैसे एतराज हो सकता है? क्यों भाईजान? हाँ और क्या भाई, मेरी तो बचपन से ख्वाहिश थी कि मेरा दामाद सलमान खान जैसा हो। तू मेरी मुंह में छाला ना निकल आया, सलमान कह दिया मैंने। हाँ हाँ भाई, मुझे तो मालूम था कि आप लोगों को मेरी बात पर कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुमताज जी और रोशन जी भी जरा हाँ कह देना, इन्हें भी एतराज ना हो। अरे नहीं नहीं, हमें कोई एतराज नहीं है भाई, जैसा तुम चाहो। तो इससे ज्यादा खुशी की क्या बात होगी है, दोनों बहन भाई जो है समधी समधन बन जाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक कह रही हो तुम रोशन आरा। भैया इतनी खुशी का मौका है, मुंह मीठा तो होना चाहिए ना। अरे मुंह मीठा करने का बंदोबस्त तो मैंने पहले ही किया हुआ है। हाँ ये देखिए, ये हैं साउथ अफ्रीका की खास चॉकलेटें। वाह, ये लाल वाली तो अल्लाह कितनी प्यारी लग रही है, रंग भी कितने अच्छे हैं ना। है? सुनो मैं बात कर रही हूँ। हाँ तैयार हो जाओ, वक्त आ गया है। हाँ हाँ शायद कल सुबह ही। ओके बाय। बर्बाद हो गए, सब कुछ चोरी हो गया, सब कुछ चोरी हो गया घर से। अबे क्या कह रही है कलीमुल्ला? अरे कलीमुल्ला हम तबाह हो गए, हम बर्बाद हो गए, अलमारियां खुली पड़ी है, सब कुछ गायब है, कुछ नहीं बचा। अबे मुमताज अभी भाभी के कल उतरने का टाइम नहीं है, भले ही बहुत परेशान है वो यार। अरे मैं नकद नहीं उतार रही, मैं सच बोल रही हूँ, जेवर चला गया सारा, अलमारियां खुली पड़ी चौपट। अरे अम्मा कोई पप्पो को तो चेक करो, उनका सामान तो कोई नहीं ले गया या उनको कोई नहीं ले गया। मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। खबरदार खबरदार। अरे हाँ जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जल्दी आ। हेलो हाय गलीम, हमारा क्या होगा, हमारी तो सारी जमा पूंजी यही थी। अरे लूट गए, बर्बाद हो गए, सारा लेवर ले गए, कुछ भी तो नहीं छोड़ा। मैं मोहल्ले के एक एक लौंडे की FIR करवा दूंगा। अल्लाह अल्लाह अम्मा, आई अल्लाह अम्मा। क्या हुआ, क्या हुआ बोल तो। अम्मा सामान तो सामान, चोर पप्पू को भी ले गए। क्या कह रही तुम, बावली हो गई? अरे इतने अरसे के बाद तो वह मुझे मिली थी। चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। समझ गई मैं, समझ गई, ये चोर और कोई नहीं, वही फुप्पो है कमबख्त मारी, ये सबके जेवर लेके भाग गई, वही चोर है। अब नहीं नहीं हाँ बिल्कुल ठीक है, शक्ल से ही चोर लगती थी वो। है क्या पागल हुई तू? चुप। अबे कलीमुल्ला, अबे समझा अपनी लड़ाई को, वो देख हमारी बिल्किस पे इल्जाम तराशियां कर रही है। ना अपना काम करो भाई, मेरी मुमताज कह रही तो ठीक है रही होगी। अबे बेगैरत, बहुत बड़ा चोरू का गुलाम है तू। अबे काय का गुलाम? अबे गुलाम नहीं है तो और क्या है तू? ताया अबू कभी कभार चोरू का गुलाम होना भी समझदारी होती है। ताई और अम्मी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, चोरी पुप्पो ने की है। अबे बिना वजह बकवास कर रहा तू? अच्छा ठीक है, अबे इरफान चल भाई चोर को ले आ। हाँ देखा 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 अभिजी। हाँ भाई पुप्पो के वकील, ये लो आ गई चोर, और इसी के बैग में से ना सारे जेवरात भी निकले। अबे इरफान चिंगारे, तेरा इस कहानी से क्या लेना देना, तू तो गेस्ट आर्टिस्ट है बे। बहुत ही गहरा ताल्लुक है खालू, वक्त तो आने दो जरा। अरे मेरा ही ताल्लुक है, मैंने कहा था ना मुझे अपनी फर्जंदगी में ले लो, देखो अभी तुम्हारा चोर नंगे हाथों पकड़ा गया। ओफो रंगे रंगे। हाँ वही 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 रंगे रंगे। बस मुझे थोड़ा सा वक्त और दे दो, मैं तुम्हारी एक एक पारी चुका दूंगी। सिर्फ दो दिन की बात है ना,
मैंने इन सबको पक्का पक्का अपने जाल में फंसा लिया है। इन सबको लगता है मैं बहुत अमीर औरत हूँ। बस दो दिन में ना मैं यहाँ से सब कुछ लेकर निकल जाऊंगी। अरे मैं तो पाकिस्तान आई कमाने के लिए हूँ और मेरी किस्मत देखो, मुझे ना दो बेवकूफ भी मिल गए यहाँ आते। हाँ बहुत सारा जेवर है और 10-12 लाख रुपया कैश भी है तकरीबन। ठीक है बस दो दिन बाद पहुंच जाऊंगी। मैंने ना इनकी चोरी करते हुए मोबाइल से वीडियो भी बना ली थी और नेमतुल्ला ने ना अलग वीडियो बनाई। क्यों नेमतुल्ला? और मुझसे कह रही थी कि रोमांटिक फिल्में लगाया कर, ईमान से झूठ नहीं बोल लिया। ये क्या कह रही तू? अब तू तो हर रास्ते पे रोक बाप को। बिलकिस मैं तुझे क्या समझता रहा, तू क्या निकल आई? देखो देखो मुझे तो शक्ल देखते ही पता चल गया था कि चोर नहीं है, चोर नहीं, चोर नहीं। अरे भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। मेरा तो जीवन माता टन का था जब इन्होंने कहा था कि हमारी पुफी साहब बहन आ रही है। अरे इनका खानदान तो है ही दिमागी तौर पे माधुर। ठीक कह रही हो मुमताज, बिल्कुल ठीक। अब चुप करो यार, ये चोर है सारे खानदान को सील करवा रही है हमारे। सुन रही तू बिल्किस, अब तेरी वजह से हम दोनों को सारी जिंदगी बातें सुननी पड़ेगी। हाँ और क्या, अब सब लोग मुझे माफ कर दीजिएगा। ये सब बहुत मजबूरी में किया था। मेरे शोहर के मरने के बाद मुझे पता चला कि मेरे सर पर 10 लाख रुपए का कर्ज था। लोगों ने तकाजा शुरू कर दिया और उसमें तो कुछ जुर्म पेशा लोग भी थे। उन्होंने कहा कि वो मुझे मार डालेंगे, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। और तेरे बच्चे? मेरा तो कोई नहीं है इस दुनिया में, मैं तो अकेली हूँ बिल्कुल। वो तस्वीरें? वो तो जाली थी तुम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। बेचारी बेचारी बिल्किस। लो भाई अब रोशन अरा तुम और भाभी तुम मिलके फैसला करो कि इस बेचारी को क्या सजा देनी है। अब कर लो शादी चोरनी से मुमताज मेरे कन्या। जरा ये तो अच्छा फैसला कर गई है। अम्मा बस भाई हो गया फैसला है? और फैसला ये है कि इसको कोई सजा नहीं दी जाएगी, इससे बस जेवर वापस ले लिए जाएंगे और उसे छोड़ दिया जाएगा। और इसके लिए दुआ करो कि अल्लाह इसकी मुश्किलें आसान करे। हाँ, बहुत अच्छा भाई, दोनों से जोड़ी खुदाई कसम, इतना अच्छा फैसला तुम लोगों ने। भाई शाबाश है तुम दोनों पे, तुम दोनों ऐसा सोचती हो, तुम दोनों की शक्लें देख के यकीन नहीं आता कि तुम ऐसा भी सोच सकती हो। अरे एक मिनट, सारे फैसले खुद ही कर लिए। जो ड्रामे के मेन हीरो हीरोइन है वो तो अपनी जगह पे ऐसे की ऐसे ही खड़े हुए। मुझे पता था उस्ताद तुम्हारे साथ यही होगा। अबे चिंगारी यही तेरी गलत फहमी कि तू समझता है तू हीरो है, हालांकि शक्ल तेरी हीरो के भाई जैसी है, लेकिन फिर भी चल छोड़, बहुत बड़ा दिल है हमारा, हमने तुम्हें अपनी फर्जंदगी में कबूल किया। हाँ मैं तो यहाँ पे तालियां बजाने आया हूँ ना, मेरे बारे में कोई नहीं सोच रहा। मेरा भी तो कर दो ना ताई, इसके साथ रिश्ता विश्ता सोचो ना कुछ। अरे नहीं मेरा बच्चा मेरा लाल, मैं सोचूंगी। ए बात सुनो समीउल्ला भाई, मेरे नेमत को अपनी फर्जंदगी में कबूल कर दो। अरे रो क्यों रहा है, मैं हूँ ना तेरी ताई, तुझे फर्जंदगी में मिलूंगी। लो भाई अगर मैं और कलीमुल्ला शुरू से प्यार मोहब्बत और इत्तेफाक से रहे होते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। आजा कलीमुल्ला, गले लग जा कलीमुल्ला। या खुदा इस रक्षंदा की बच्ची ने आज फिर मेरे हिस्से में कचरा डाल दिया है। अभी बताती हूँ तुझे। इरफान इरफान। हाँ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? ये देख उस मनुस मारी ने आज फिर हमारे हिस्से में कचरा फेंक दिया है। तू दो दो हाथ करता क्यों नहीं है? बड़ी बेशर्मी है तूने, तू देख आज मैं इन दोनों के साथ करता क्यों। अबे ओ नेमतुल्ला बाहर आ बे, संभाल लेना, डरियो नहीं। अबे तू डर रहा है, आज तू करिए इनके साथ दो दो हाथ। क्या हो गया, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? अबे ओ इरफान सुनाई नहीं देता तुम्हें, हमारे बच्चे सो रहे हैं, अपने को तो तुमने दवाइयां देके सुला दिया है। ए मनुस मारी तेरे को अकल नहीं है, आज फिर तूने मेरे हिस्से में कचरा डाल दिया, मैं कहूंगी तुझे तो हाथ। ए मनुस होगी तू, खुद बचपन से ही मनुस है और तेरे होते सोते खबरदार जो तूने मेरे को मनुस बोला तो जबान खींच लूंगी तेरी। अबे ओ इरफान अपनी बीवी को समझा दे, भले तेरे में खून नहीं लेकिन खून की नदियां बहा दूंगा मैं। हां अबे ओ जोरू के गुलाम नेमतुल्ला, देख मैं तुझे बता रही हूँ, लाइन क्रॉस नहीं करियो वरना चीर कर रख दूंगा तुझे भी। और अबे तेरी ऐसी की तहजीब बड़ा।